नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टीसी म्यूजिक क्लासेस के यूट्यूब चैनल से। एक बार फिर महामैराथन क्लास का हिस्सा बनने जा रहे हैं आप सभी। आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं हमारी ओर से। हम प्रेषित करते हैं सभी जो हैं अपने लक्ष्य में, अपने मुकाम में जो हैं सफल होकर के लौटें। अब बस एक ही बात है, अब की बार 11 पार। क्या है अब की बार 11 पार? बस एक ही उद्देश्य सबका होना चाहिए कि अब की बार 11 पार, मतलब पार करना है बाउंड्री लाइन को जो है, अब तो पार करे जाना है। क्योंकि इस लेवल की, इस कदर की जो है आप प्रिपरेशन कर चुके हैं, जिससे कि क्या कहा जाए, जिससे क्या कहा जाए, इस लेवल की जो है प्रिपरेशन आप कर चुके हैं, आप उस लेवल में आ चुके हैं जो एक एक प्रश्न को जो है घोल घोल के आप लोग पी चुके हैं। एक एक प्रश्न को घोल घोल के आप लोग जो है पी चुके हैं प्यारे मित्रों। तो अब जो है आज का जो आनंदमय सफर होगा दोस्तों, अंतिम वार होगा। ये क्या होगा? अंतिम वार जो है आपकी स्क्रीन पर नजर आएगा। आज का वार जो है 11 पार है। आज का वार 11 पार, ये जो है हमारा थॉट होना चाहिए आप सभी का कि बस अब तो 11 पार करना ही करना है। किसी भी हाल में जो है हमको यहाँ पे पहुँचना है, ये आपके जो है मन में और दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, तो आप सभी जो हैं एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। मैं आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और कल होने वाले एग्ज़ाम के लिए मैं आपको पहले से ही आज आपको बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट आप सभी को हमारी ओर से, और आप सफल होकर के लौटें ऐसी मैं ईश्वर से कामना आप सभी के लिए करता हूं। सकुशल आप पहुंचे एग्ज़ाम सेंटर पे। अपनी कोई भी ऐसी चीज़ जो साथ नहीं ले जाना हो उसको नहीं ले जाएं। आप जो है पेन वगैरह जो है अच्छे से अपने साथ में साइन करने के लिए चाहिए। वैसे तो कंप्यूटर पे आपका एग्ज़ाम होगा, CBT बेस्ड एग्ज़ाम है, तो आपको कोई भी डरना नहीं है, अच्छे से आपको एग्ज़ाम देना है। और किसी भी क्वेश्चंस में आपको लगता है कि मुझे यहाँ प्रॉब्लम है, मैं यहाँ प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, तो दोस्तों घबराना नहीं, उस प्रश्न को छोड़ना है और आगे निकल जाना है। जो प्रश्न आपको आ रहा है सबसे पहले उस प्रश्न को अटेम्प्ट कीजिए। आफ्टर दैट जो है आप जो नहीं प्रश्न आ रहे हैं उनको अटेंड करना है। माइनस मार्किंग इसके अंतर्गत नहीं है, तो किसी भी चीज़ से आपको नहीं डरना है, क्योंकि माइनस मार्किंग है नहीं। पूरे के पूरे जो है 150 के 150 टिका के आने हैं। ठीक है, माइनस मार्किंग इसमें नहीं है, तो 150 के 150 पूरे टिका दीजिएगा। और अच्छे से जो है आप, उम्मीद करता हूँ कि कल जब फ़ोन आएगा या मैसेज आएगा तो एक खुशी नुमा मैसेज मेरे पास में या खुशी से फ़ोन आएगा कि सर बेहतरीन पेपर आज का जो हमारा हुआ है। तो दोस्तों अब जो है अंतिम प्रहार होगा आज, और अंतिम प्रहार में कुछ प्रश्न ऐसे आप देख सकते हो जो हो सकता है आप नहीं जानते हो, या हो सकता है आप जानते हो तो आपसे परिचित हो सकते हैं, या नए प्रश्न भी आप देखेंगे। तो उन प्रश्नों को बस समझना है, उन पढ़ना, और 10:30 पर आज की क्लास जो है पॉसिबल है कि हम वाइंड अप कर देंगे। और अच्छे से आप लोग जो है नींद लीजिएगा, नींद लेना बहुत ज़रूरी है स्वास्थ्य के लिए, इसलिए अच्छे से आज सो जाइएगा। ठीक है ना? तो दोस्तों अब केतन की शिक्षा ऐसा वृक्ष है जो दिल में उगता है, दिमाग में पलता है और जुबान से फल देता है। यानी कि शिक्षा ऐसा वृक्ष है जो दिल में उगता है, दिमाग में पलता है और जुबान से फलता है। तो दोस्तों वहाँ दिमाग से भी काम लेना है, दिल से भी काम लेना है, सब तरीके से जो है आपको काम लेना है। क्योंकि इस कदर की आपने पढ़ाई की, रातें काली की आपने, है ना, तो अब जो है घड़ी इंतजार की वो आ गई है। जो संघर्ष हमने किया है, रातों से संघर्ष किया है दोस्तों, तो अब जो है कल आपकी बारी है। अपने जो है गुरुजनों ने आपको जिस कदर की पढ़ाई करवाई है, जिस कदर का आपको जो दिया है, तो मतलब उसको भाई हिसाब से जो है डरना नहीं है, निडर होकर के आपको जाना है और जो है करके आना है। कहता है ना कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये उनके फैले हुए पंख बोलते हैं, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। दोस्तों शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं होती, भले ही वो किसी भी तरह की ग्रहण की गई हो, कहीं ना कहीं पे आपके काम में आएगी। तो चिंता मत करिएगा, आपने जो जो प्रश्न पढ़े हैं वो सब के सब आपके काम में आने वाले हैं। और मैं आपको बहुत ढेर सारी जो है
माँ शारदे से वरदान आप सभी को ऐसा मिले। कहते हैं ना कि हे शारदे माँ, है ना। तो शारदे माँ जो आपको ऐसा वरदान दे कि कल आपके जो हैं उस उंगली के ऊपर आकर के बैठ जाएं और आप जिस क्लिक को जब क्लिक कर रहे हो वो आपका राइट आंसर हो जाए। महादेव की कृपा आपके ऊपर बरसती रहे, ऐसा मैं जो है आप सभी के लिए प्रेषित करता हूँ, है ना। माँ शारदे आप सभी का जो है बेड़ा पार करेगी, चिंता नहीं करें। आप सभी को ऐसा वर दें कि आपका जो है UGC नेट से आगे भी JRF आपका जो है आपके हाथ में हो और एक खुशी से आप जो है निकल करके आए, ठीक है ना दोस्तों। अब वही चीज है, साथी हाथ बढ़ाना साथी, एक अकेला थक जाएगा ना, तो बिल्कुल जो है आप जो है निडर होके चलना है। नारा मैंने आज दिया है आज के टैग में, अब की बार JRF पार, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों आज के प्रश्नों की श्रृंखला की ओर, कुछ घरानों से, कुछ तालों से, कुछ जो है गुरुओं से रिलेटेड आज के प्रश्न सीरीज होंगी, तो काफ़ी आपको हेल्पफुल होगी। और दोस्तों जो संगीत को साक्षी मानते हुए सभी लाइक कर दें और शेयर कर दीजिए फटाफट अंदाज में। स्पेशल जो है आज का ये मैराथन क्लास प्रारंभ होने जा रहा है और आज जो है हमने देखी कलर भी अच्छा सा कलर लिया है, थोड़ा रेड कलर जो है थोड़ा सा प्रतीक अलग होता है, लेकिन आज जो है आपकी जीवन में जो है हरियाली सी आए, खुशियां लेकर के आए, ऐसा कलर हमने ले लिया है। तो चलते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला की ओर। जय माँ शारदे, आप सभी का एक बार पुनः जो है स्वागत मैं कर देता हूँ। तो जैसा कि हमने आपको बताया है कि एडमिट कार्ड वगैरह आपका जो है अभी आप अच्छे से ठिकाने से रख लीजिएगा, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पानी का बोतल, ट्रांसपेरेंट बोतल होनी चाहिए आपके पास में, कोई ऐसी वस्तु नहीं लेके जाएं जिससे कि आपको किसी भी परेशानी का सामना आपको करना पड़े, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि हमारे कैंडिडेट को किसी को भी परेशानी का सामना करना पड़े। हमारे साथ में जो है जुड़ गए हैं हमारे अंजू जी, आफ्टर दैट प्रगति जी, रागिनी जी, नीतू जी, अंकिता जी, दुष्यंत जी, खुशी जी, लता जी, राजेश्वरी जी, सिमरन जी, गीता जी, केशव जी, आरती गुप्ता जी एंड मौसमी जी एंड अंकिता जी, एक्सप्रेशन जी, अंजलि जी, कनिका जी एंड माया कुमारी जी एंड हमारे स्क्रीन पहन लता जी, सिंह कौर जी, नेहा यादव जी एंड मनिक शर्मा जी एंड हमारे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं श्वेता आर्या जी, प्रीति सिंह जी एंड सलोनी जी, श्वेता जी, रवीना जी एंड रागिनी जी एंड गीता द सितारिस्ट एंड आरती राठौड़ जी, वाणी जी एंड और जो भी दिखाई दे रहे हैं सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। वीरू कमल जी एंड सुभाष कश्यप जी एंड नीतू बघेल जी, प्रतिभा कुमारी जी एंड आशा कुमारी जी एंड जो भी अगर बच गए हैं सुशांत जी, इस बार JRF पार सुशांत जी, बिल्कुल JRF पार होगा इस बार, डोंट वरी। एंड राजीव जी, राजेंद्र जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसी शिवानी, शिवांगी सक्सेना जी, कोमल जी, आरती मारन जी एंड प्रमिता सेन जी एंड नालंदा नंदलाल यादव जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जी। चलिए आज के पेपर की ओर चलते हैं और क्या खास है आपके लिए लेकर के आए हैं। आपका एडमिशन जो कार्ड है, परमिशन लेटर है, रोल नंबर अच्छे से देख लीजिएगा कहाँ पे हैं और समय से जो है आप सेंटर पे पहुँचने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को और आज का शुरुआत करते हैं माँ शारदे का नाम लेते हुए। चलिए प्रश्न संख्या एक आपके स्क्रीन पे आ गया है और कह रहा कि उस्ताद चांद खान का संबंध किस घराने से है, दिल्ली, पटियाला, आगरा या ग्वालियर। आपके चांद खान साहब का जो है संबंध किस घराने से है, उस्ताद चांद खान किस घराने से संबंधित है आपके, दिल्ली से होंगे, पटियाला से, आगरा से या ग्वालियर से। व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और पहला प्रश्न जो है इस कदर का आया है कि मतलब सभी जो है इस प्रश्न का जो है क्या आंसर लगा रहे हैं,
बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। कहीं पर भी कोई हिचकिचाहट नहीं देखने को मिल रही है, कोई घबराहट नहीं देखने को मिल रही है। दिल्ली घराना जो है आपके चांद खान साहब का जाना जाता है। कौन सा जाना जाता है? दिल्ली घराना। तो चांद खान साहब दिल्ली घराने से जाना जाता है। तो दिल्ली घराने के प्रवर्तक किसे कहते हैं? दिल्ली घराने के प्रवर्तक जो है किसे कहते हैं? जिस प्रकार जो है आपके अन्य घरानों के प्रवर्तक होते हैं, तो दिल्ली घराने के प्रवर्तक कौन है? दिल्ली घराना जो है चांद खान साहब का जाना जाएगा। प्रश्न संख्या आपके दो जो है स्क्रीन पे हैं, उस्ताद कादिर बख्श का संबंध किस घराने से है? जयपुर, पटियाला, आगरा या आपके ग्वालियर? आपके कादिर बख्श खान साहब जो हैं, इनका जो है संबंध किस घराने से है? तानरस खान जो भी आपके दे रहे हैं, तानरस खान जो दे रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट जवाब हैं आपके अचपन साहब। और आपके कादिर बख्श साहब का संबंध किस घराने से है? जयपुर, पटियाला, आगरा और ग्वालियर। दोस्तों आपके हसू अद्दू खान साहब के पुत्र, अरे कादिर साहब आप जो है कहाँ से जोड़ रहे हो? देखिए कादिर साहब अगर आप जोड़ रहे हो तबला या पखावत से, तो देखिए यहाँ कोई भी ऑप्शन ऐसा नजर नहीं आ रहा, यही प्रश्न जो है आपको विचलित करेंगे, ध्यान रख लीजिएगा। तो आपके हसू अद्दू खान से रिलेटेड प्रश्न है ये। तो कादिर बख्श का संबंध जो है आपके कहाँ से हो जाएगा? ग्वालियर घराने से आपके होगा कादिर बख्श जी का संबंध, क्योंकि प्रश्न को समझना है, प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा रहा है। ऐसे डायरेक्ट आंसर नहीं देना है, एक सेकेंड उस प्रश्न को देना है, पलक झपकते ही आंसर नहीं देना है। और कादिर बख्श यानी कि इनके जो है इस घराने के जन्मदाता कौन है? कौन है इस घराने के जन्मदाता? नतन पीर बख्श। और हसू हद्दू खान से रिलेट है आपके कादिर बख्श जो है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के लिए। प्रश्न संख्या आपके स्क्रीन पे आ रहा है 3। उस्ताद शराफत हुसैन साहब का संबंध किस घराने से है? आपके दिल्ली, पटियाला, आगरा या ग्वालियर? किस घराने से है आपके? आपके जो है दिल्ली, पटियाला, आगरा या ग्वालियर? आपके शराफत हुसैन साहब का जो है संबंध किस घराने से जाना जाएगा? तो बहुत बेहतरीन, यानी कि बहुत ही बेहतरीन जो है प्रश्न आपके स्क्रीन पर। दोस्तों क्लास को शेयर कर दीजिए, जितना हो सके शेयर करें क्लास को, और अपने मित्रों को, क्योंकि हो सकता है समय का पता नहीं हो, और समय का पता नहीं होने की वजह से समय पे क्लास को ज्वाइन नहीं कर पाएं। इसलिए आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर लीजिए, अपने स्टेटस पे भी इसको शो कर दीजिए। तो दिल्ली के नहीं हैं आप, पटियाला के नहीं हैं, ग्वालियर के नहीं हैं, आगरा घराने के आप जो हैं जाने जाते हैं। कौन से घराने के? शराफत हुसैन खान साहब जो हैं, इनका संबंध ऑप्शन संख्या 1। अंकिता कुमारी जी क्या कर रहे हो, सही करिए आंसर को। और जो है आपने इनसे जो है शिष्य, कौन इनके शिष्य जो है, अच्छे शिष्य इनके रहे हैं बताइए। आपके शराफत हुसैन खान साहब जो है आपके आगरा घराने से जाने जाते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के लिए। प्रश्न संख्या, गुले इमाम खान के पिता का नाम क्या है? प्रश्न संख्या 4 है। गुले इमाम साहब के पिता हसू खान, नत्थू खान, हद्दू खान या आपके मोहम्मद अली? कौन है जो आपके इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा? आपके गुले इमाम खां हैं, इनके पिता का नाम क्या है? प्रश्न संख्या है आपकी स्क्रीन पे जो है, हसू खान है या नत्थू खान है या हद्दू खान है या मोहम्मद अली खान है? तो इस देखिए दोस्तों आप जा रहे हैं गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। ओके, कोई बात नहीं। हद्दू खान और हसू खान दोनों क्या है? दोनों आपके ब्रदर हैं। तो इसमें जो है आपके क्या होगा दोस्तों? हसू खान के पुत्र है ना आपके गुले इमाम साहब, तो किसके पुत्र हैं? हसू खान के पुत्र हैं गुले इमाम साहब, और हद्दू खान साहब के थोड़ी मिलते हैं। तो ऑप्शन संख्या क्या मिलेगा इसका? ऑप्शन संख्या आपका 1 जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। गुले इमाम साहब जो है किसके हैं? वो हैं आपके हसू खान साहब। और हसू खान साहब का संबंध किस घराने से है? घराना आपका जाना जाता है वो है आपके ग्वालियर घराना। ग्वालियर दरबार में जो है आपका राजा श्रेय जो आपको प्राप्त था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के लिए। प्रश्न संख्या 5, लताफत हुसैन साहब का संबंध किस घराने से? पटियाला, जयपुर, ग्वालियर और आगरा? लताफत हुसैन साहब का संबंध जो है वो किस घराने से आपका जाना जाएगा? क्या आपका पटियाला है, क्या आपका जयपुर है, क्या ग्वालियर है, क्या आपके आगरा है? व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस? देखिए मनिक जी, अब ये समय नहीं है कि हम गलत प्रश्नों में जो है जवाब दें, ज़्यादा यहाँ जितने गलत मर्जी पड़े कर लीजिए, लेकिन अब जो है सही की ओर हमको अपनाना है। और सही की ओर दोस्तों कब अपनाओगे? देखिए विवेक से आप काम लीजिएगा, अपने जो है होशियारी से काम लीजिएगा। यहाँ नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जल्दबाजी में आपने आंसर दे दिया और वो कहीं ना कहीं गलत हो जाए। दोस्तों एक प्रश्न गलत होने का मतलब है आप जारब से दूर निकल रहे हैं, एक नंबर का जो है अगर फासला रह गया, एक नंबर से तो इधर का उधर हो जाएगा। समझते हो कि नहीं समझते हो? एक नंबर से तो इधर का इधर दोस्तों हो जाना है। इसलिए एक एक प्रश्न को जो है
पानी छान छान के पीना है। क्या करना है? पानी को आपको छान छान के पीना है। चलिए, तो प्रश्न संख्या आपके लताफत हुसैन खान साहब का ऑप्शन संख्या जो है चार जो है सही जवाब है, यानी कि आगरा घराना। इनका उपनाम दोस्तों क्या है, छापिए कमेंट बॉक्स में, लताफत हुसैन खान साहब का जो है उपनाम आपके क्या हो जाएगा। और आपके इनके जो है पिता यानी कि खादिम हुसैन जो है इनके क्या लगते थे, खादिम हुसैन जो है आपके पिताजी का नाम है, और अल्ताफ हुसैन जो है वो इनके ब्रदर का नाम है। क्या है? अल्ताफ हुसैन जो है इनके ब्रदर का नाम है, और इनके जो है जन्म होता है इनका 1921 के अंतर्गत जो है इनका जन्म होता है, और 1986 में इनका निधन हो जाता है। ऑप्शन संख्या चार इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या है छः, आज का सुपर डुपर और बगई तान पुस्तक के लेखक कौन, सौरिंद्र मोहन भातखंडे राजा भैया या कृष्ण धन बंदोपाध्याय, कौन है बगई तान के लेखक? बगई तान जो है आपके लेखक कौन है भाई? सुजान पिया कौन दे रहे हैं, ये सुजान पिया कौन दे रहे हैं, कैसे सजान पिया दे रहे हैं, गड़बड़ ना करो रे भैया, गड़बड़ हो जाएगा। सुबह ही बताया है सुजान पिया, है ना, सुबह ही बताया है, ऐसे ना करो। चलिए, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, सौरिंद्र मोहन भातखंडे राजा भैया या कृष्ण धन बंदोपाध्याय? इस प्रश्न का वही आंसर दे सकता है जिसने थोड़ा सा डिप में पढ़ा हो या थोड़ा सा जो है जाकर के पढ़ा हो। बॉल गुगली डाली गई है दोस्तों, ये मैराथन क्लास है, मैराथन क्लास में आप जो है अगर इस तरह के आंसर दोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ऑप्शन संख्या एक जो भी दे रहे हैं आपका गलत जवाब है, दो दे रहे हैं गलत, तीन गलत है, ऑप्शन संख्या चार जो है इस प्रश्न का सही आंसर आपके होगा कृष्ण धन बंदोपाध्याय जी का। बगई तान करके एक पुस्तक लिखी गई है जो आपके कृष्णधन बंदोपाध्याय जी की कही जाती है, ठीक है। तो अब जो है आपके भातखंडे जी का कौन सा हो गया, क्रमिक पुस्तक मलिका, क्रमिक पुस्तक जो है मलिका आपके किसकी है, क्रमिक पुस्तक मलिका आपके हैं भातखंडे जी की। और राजा भैया जो है पूंछ वाले, इन्होंने भी आपके पुस्तक लिखी है। राजा भैया का जन्म कब होता है आपके, 1882 के अंतर्गत राजा भैया का जन्म, भातखंडे जी का 1860 के अंतर्गत होता है, और इनका 1882 में सौरिंद्र मोहन जी का एक बढ़िया पुस्तक है, कौन सा है, सौरिंद्र मोहन जी को एक बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम छाप करके अनुग्रहित करें। इस प्रश्न का ऑप्शन संख्या है चार, चलिए बहुत बेहतरीन, अभिनव राग मंजरी भी इनका ही है, बहुत बेहतरीन। प्रश्न संख्या है आपके स्क्रीन पे सात, कृष्ण शंकर पंडित को संगीत रत्न अलंकार की उपाधि कहाँ से प्राप्त हुई थी? संगीत तो आपके द्वारा, कौन सी सभा है ये, संगीतो द्वारक है ये, संगीतो द्वारक सभा, ग्वालियर दरबार, बड़ौदा दरबार, या अपने गुरु द्वारा? जो है कृष्ण शंकर पंडित को संगीत रत्न अलंकार की उपाधि जो है वो किसके द्वारा प्रदान की गई थी? भातखंडे जी के गुरुजी कौन है, भातखंडे जी के गुरुजी वजीर खान साहब, फिल्म सिटी ऑफ म्यूजिक जी, वजीर खान साहब जो है आपके कौन है, भातखंडे जी के गुरुजी हैं, चतुर जिनका नाम है जी आपके, ठीक है, रामपुर इनका घराना जाना जाता है, ठीक है। चलिए, यूनिवर्सल हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक, वेरी गुड वेरी गुड प्रगति जी, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। संगीतो द्वारक सभा जो है ये होगा या ऑप्शन संख्या तीन आपका होगा, दो होगा या आपका तीन होगा या आपका चार जवाब होगा? क्या इस प्रश्न का जो है जवाब होगा, राजा भैया द्रुपद दमार गाया ठुमरी तरंगिनी, तरंगिनी, बिल्कुल सुशांत जी, इस बार एक ही नारा है, नेट जेआरएफ पार। दोस्तों ये 3% डाउन कैसे दिख रहा, जिसने यस में करना है, यस में करना है, ये आपके लिए वोटिंग की गई है कि आप जेआरएफ, आप में से कितने लोग चाहते हैं, है ना, ये मेरे लिए नहीं की गई है। तो आपके कृष्ण शंकर जो है आपके रत्न अलंकार की उपाधि जो इनको दी गई है, इनको कहाँ से दी गई है, ग्वालियर दरबार के द्वारा जो है इनको ये उपाधि दी गई है। संगीतो द्वार जो आपके सभा है यहाँ से आपको गायक शिरोमणि की जो है उपाधि मिली है, कौन सी मिली है, गायक शिरोमणि की आपको उपाधि जो है यहाँ से आपको प्राप्त हुई है। मुल्तान में ये जो है आपके गायक जो है संगीतों जो आपके सभा हुई है, संगीतों द्वारक सभा मुल्तान के अंतर्गत हुई थी, और गायक शिरोमणि की उपाधि आपको यहाँ से मिली थी। एक जो है संगीत सरगम सार भी एक पुस्तक इनकी मिलती है, नोट कर लीजिएगा कौन सी, संगीत सरगम सार, ये भी इन्हीं की आपके पुस्तक मिलती है। ऑप्शन संख्या दो, ग्वालियर दरबार जो है इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। और जन्म की बात आती है तो 1894 कब जन्म होता है इनका, 1894 में जो है आपका जन्म होता है, वेरी गुड वेरी गुड, मतलब तैयारी जो है बहुत माइंड ब्लोइंग वेरी गुड। इस बार जो है वो काजू कतली के डिब्बों की जो है ट्रक भर के आने वाली है, चिंता मत करो।
तान सम्राट इनमें से किसे कहा जाता है? आपके आलिया फतू, काले खान साहब, गुलाम अली या अली बख्श? निम्न में से आपके तान सम्राट दोस्तों किसे कहा जाता है बताइए। तान सम्राट, आलिया फतू या आपके काले खान या आपके गुलाम अली या आपके अली बख्श, किसको जो है आपका तान सम्राट की उपाधि इसमें से जानी जाती है? तान सम्राट बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये प्रश्न, मतलब तान सम्राट भी इनको कहा गया है। यहाँ पे अगर आता तान कप्तान तो हम गड़बड़ हो जाते, लेकिन तान सम्राट की बात आ रही है तो ऑप्शन संख्या, जब आपके काले खान साहब मौजूद है तो गुलाम अली खान साहब नहीं होंगे। काले खान साहब जब मौजूद है तो गुलाम अली खान साहब नहीं होंगे, बिकॉज काले खान साहब इनके गुरु रहे हैं और अली बख्श इनके पिता रहे हैं। अली बख्श जो है गुलाम अली जी के पिता हैं और आपके काले खान साहब चाचा हैं। काले खान साहब जो है इस कदर की जो है गायकी थी इनकी कि माशाल्लाह ये ऐसी गायकी थी कि लोग बाग जो है इतने जलते थे इनसे, इतने इनसे जलते थे कि मतलब इनको कैसे जो है हटाया जाए रास्ते में से। जर्नल और कर्नल अगर आपसे पूछ लिया जाए, जर्नल और कर्नल जो है ये किसे कहा जाता है दोस्तों? बहुत बेहतरीन प्रश्न है। काले खान साहब जो है पटियाला घराना आपका संबंध जाना जाता है, आपके गुलाम अली खान साहब के जो है चाचा हैं और अली बख्श जो है इनके पिताजी हैं। आलिया फतू जो है इनको आपके जर्नल और कर्नल के नाम से आपको जाना जाता है। 1875 जो है ये जो है आपका जाना जाता है किसका? काले खान साहब का जो है डेथ ऑफ बर्थ का जो आपका जाना जाता है। ठीक है, अब जो है आपके क्या इनका बड़ा शौकीन मिजाज के थे आप? क्या थे? बड़े ही शौकीन मिजाज के आप थे। कौन? काले खान साहब जो हैं आपके इत्र लगाना आपके बहुत बेहतरीन इनका जो है कार्य रहा है। तो काले खान साहब इस प्रश्न का एकदम जो है एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और संगत सम्राट तो दूसरे हैं भाई। संगत सम्राट कौन है? संगत सम्राट है हबीबुद्दीन खान साहब। और नादिन दिन्ना के जादूगर किसे कहा जाता है? अनोखे लाल जी को नादिन दिन्ना के जादूगर आपके कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के लिए। प्रश्न संख्या है आपके स्क्रीन पे 9। दोस्तों पहली बार देख रहे हैं ऐसे प्रश्न। 1911 में किंग जॉर्ज के समकक्ष दिल्ली में किस विद्वान ने गायन पेश किया था? असगर अली, मोहम्मद अली, तानरस खान या काले खान? 1911 की बात है। किंग जॉर्ज जब दिल्ली के अंतर्गत आए थे तो उस समय उनका अभिवादन करने के लिए कौन विद्वान जो हैं उनके समक्ष जो हैं उनका सम्मान के लिए उनके वेलकम के लिए इनमें से गायन पेश किया था बताइए। बहुत बेहतरीन, इतना अच्छा प्रश्न, मतलब है ना इतना अच्छा प्रश्न। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि यही आंसर लगाएंगे आप, लेकिन क्लीन बॉल्ट ये प्रश्न जो है टीसी म्यूजिक के हैं भैया, ये प्रश्न कॉपी पेस्ट नहीं है, टीसी म्यूजिक के प्रश्न है। और दोस्तों महादेव स्वयं जो है आकर के अटेंडेंस लेते हैं, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाइए और लाइक ठोकते जाइए, अपने प्रत्येक मित्र को जोड़ते जाइए। अब की बार हमने कहा कि जियारत पार, तो अब की बार आपका नारा होना चाहिए कि शतक पार, ठीक है ना, इस तरीके से। तो असगर अली नहीं है आपके, मोहम्मद अली नहीं है आपके, तानरस खान जो हैं दोस्तों इस प्रश्न का गलत जवाब है, बिकॉज काले खान साहब जो हैं अभी जिनकी हम ऊपर चर्चा कर रहे थे वही काले खान साहब जो हैं आपके 1911 में जब गुलाम अली खान साहब 9 वर्ष के गुलाम अली खान साहब थे, इनके साथ में गायन उन्होंने भी पेश किया था 9 वर्ष की आयु के अंतर्गत। काले खान साहब ने जो है किंग जॉर्ज के समकक्ष जो है जॉर्ज है ना, ये जॉर्ज आए थे यहाँ पे, तो इन्होंने जो है गायन यहाँ पे पेश किया था। इनकी देखिए क्या इनका शौक या ना मिजाज था, मिजाज इस प्रकार का था इनका कि जो है आपको प्रोग्राम में जो मिलने वाले, एक बार इनको प्रोग्राम में पैसे मिले थे लगभग जो है 50 रुपये के आसपास इनके ऊपर नोट जो है वारी गए ऐसे, तो बहुत सारे कॉइन इकट्ठे करके इन्होंने क्या किया आपके नदी में आपके जो है फेंक दिया उनको, बोले मेरे मरने के बाद जो है मेरी इबादत यानी कि ये मेरे काम में आएगी। आफ्टर दैट ये क्या करते थे, इनको इत्र का बड़ा अच्छा शौक था, तो आपके असगर अली और मोहम्मद अली ये जो है इत्र का काम भी करते थे भैया, तो इनकी दुकान पर जाकर के इत्र खरीदते थे और कपड़ों पे इत्र लगाते थे, बोले कपड़े मेरे छूट जाएंगे, और मूछों पे इत्र और लगाते थे, तो इनका ये कहना था कि मैं अगर मर जाऊंगा तो मूछें मेरे साथ जाएगी, इसलिए मूछों पे इत्र लगाते थे। आप ये ध्यान रखना, नया आज का टॉपिक है ये, काले खान साहब ने छोड़ा नहीं है, हमने ले लिया इनको। ऑप्शन संख्या 4 इस प्रश्न का राइट आंसर आपके हो जाएंगे। प्रश्न संख्या आपके स्क्रीन पर है 10। केलुचरण महापात्र का संबंध किस नृत्य से? कुचिपुड़ी, कथकली, ओडिसी या भरतनाट्यम, किससे है? शायद दीप्ति मैडम, ठीक है ना, कुचिपुड़ी, कथकली और ओडिसी और भरतनाट्यम, इनका स्वभाव थोड़ा तेज था है ना,
हाँ, इनका जो है स्वभाव बड़ा तेज था। मतलब आज जो है इस तरीके के प्रश्न आपको मिलेंगे, इधर से उधर उठा उठा के पटकने वाले प्रश्न जो है आपको मिलने वाले हैं, है ना। तो आपके कुचिपुड़ी, आपके कथकली, आपके ओडिसी या आपके भरतनाट्यम, तो दोस्तों इस प्रश्न का दिव्या आचार्य मैम ऑप्शन संख्या एक है गलत जवाब हो जाएगा, ऑप्शन संख्या दो गलत जवाब हो जाएगा। आपके केलुचरण महापात्र का संबंध सीधा जो है ओडिसी, यानी कि ये ओडिसी लिखा हुआ है, ओडिसी जो है नृत्य है, इससे संबंध आपका जाना जाता है। किससे? ओडिसी नृत्य से जो है आपका जाना जाता था, दुबले पतले से केलुचरण। जी हाँ, जो हम दोनों ने हाथ मिलाया था वही है क्या? हाँ, केलुचरण महापात्र जी बिल्कुल दुबले पतले से, लेकिन जो है ओडिसी नृत्य इनका जो है प्रथम जाना जाएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा अच्छे से, क्योंकि ओडिसी नृत्य के आप गुरु रहे हैं। किस नृत्य के? ओडिसी नृत्य के आप जो है गुरु रहे हैं, आपके केलुचरण महापात्र जी। अब जो है इनके गुरु कौन रहे? पंकज चरणदास। इनके गुरु कौन रहे? पंकज, इनके गुरु का नाम लिख लीजिए, पंकज चरण दास जो हैं इनके गुरु जो हैं आपके रहे हैं। किनके? केलुचरण महापात्र के गुरु जो रहे हैं आपके पंकज चरण दास। और पिता कौन रहे इनके? चिंतामणि। चिंतामणि जो हैं आपके पटचित्रकार, ये क्या चित्रकारी का काम जो है आपके करते थे, कहाँ पे? उड़ीसा पुरी के अंतर्गत, और खोल बजाया करते थे इनके पिताजी जो है। 8 जनवरी 1926 पुरी के अंतर्गत जो है आपका जन्म हुआ है केलुचरण महापात्र जी का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के लिए आपका। अब इसमें थोड़ा एक और निकालते कि नटुवन का संबंध किस नृत्य से है, नटुवन का संबंध किस नृत्य से? तो नटुवन दोस्तों किस नृत्य से इनमें से हो जाएगा क्या किसी का संबंध, बताइए फटाफट। नटुवन का संबंध जो है किस नृत्य से, अगर ये पूछ लिया जाए तो जवाब क्या होगा हमारे पास? नटुवन का संबंध जो है आपके भरतनाट्यम से हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भरतनाट्यम से? क्योंकि भरतनाट्यम की जो शिक्षा देते हैं गुरु, उनको जो है आपके नटुवन कहा जाता है। भरतनाट्यम की जो शिक्षा देते हैं जो टीचर होते हैं, जो गुरु होते हैं, उनको आपके नटुवन कहा जाता है। और आपके कथक के लिए क्या शब्द मिलता है? कथक के, है ना, कौन सा नृत्य कहते हैं कथक के लिए, अलग कौन सा है आपके कथक के लिए भी मिलता है? तो कुचिपुड़ी और कथकली, आपके भरतनाट्यम दक्षिण, आपके सब जो है आपके उड़ीसा से जो है आपके इनका संबंध जाना जाता है। ठीक है, चलते हैं। तो आपके नटवरी, बिल्कुल नटवरी नृत्य का संबंध किससे है? तो वो है आपके कथक नृत्य से। बिल्कुल प्रगति मैडम, प्रश्न संख्या आपके 11, चतुर संगीत विद्यालय का संबंध किस विद्वान से? बातखंडे जी आपके गणपति बुआ, बालकृष्ण बुआ या सखाराम भट्ट? बातखंडे बुआ कर दिया भाई, बातखंडे जी या गणपति बुआ या बालकृष्ण बुआ या सखाराम भट्ट, कौन जो है इसमें से चतुर आपके संगीत विद्यालय का संबंध आपके जाना जाता है? तो दोस्तों ये चतुर संगीत विद्यालय कहाँ रहा है ये बता दीजिए हमको। आप जो है इसी तरीके के अगर प्रश्न अगर छप गए तो मान लीजिए मामला गोल गोल होने वाला है, मामला जो है वो गोल गोल आपका जो है होने वाला है। हाँ, ये ध्यान रख लीजिएगा, इस प्रश्न का जो है संबंध किससे जाना जाएगा? ऑप्शन संख्या एक जिन्होंने दिया है गलत जवाब है इसका, ऑप्शन संख्या जिन्होंने एक दिया है बहुत गलत जवाब है इस प्रश्न के लिए। अरे चतुर संगीत विद्यालय भातखंडे नहीं है, भातखंडे विद्यालय के संबंध नहीं है ये। भातखंडे जी ने स्वयं जो है इनकी सहायता ली थी, भातखंडे जी ने स्वयं जो है कर्मिक पुस्तक मल्लिका के लिए इस विद्वान की सहायता ली थी। इन विद्वान से जो है आपके कर्मिक पुस्तक मल्लिकाओं में खानदानी चीजों का जो है कलेक्शन इसमें दिया था। तो आपके सखाराम भट्ट तो क्या है, सखाराम भट्ट साहब जो हैं वो क्या हैं, आपके पिताजी हैं इस कलाकार के। क्या हैं? पिताजी हैं सखाराम भट्ट। तो किनके? आपके गणपति बुआ साहब के। गणपति बुआ जो हैं वो आपके कौन हैं, इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर दोस्तों, अंत समय में सांगली महाराष्ट्र में आप चले गए थे। कहाँ पे? अंत समय में सांगली महाराष्ट्र के अंतर्गत जाकर के बस गए थे। कुछ समय तक आप जो है मुंबई के अंतर्गत भातखंडे जी के पास रहे थे, लेकिन वहाँ पे जो है आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने के कारण आप जो है सांगली जाकर के बस गए थे। चलिए, तो ऑप्शन संख्या दो इस प्रश्न का। और बालकृष्ण बुआ 1849 में इनका जन्म हुआ, ग्वालियर घराना इनका जाना जाता है। और आपके बालकृष्ण जो है पंडित किनके? पलुष्कर जी के गुरुजी का नाम है, पलुष्कर जी के। और आपके बालकृष्ण जी आपके इनके भी गणपति जी के भी क्या हैं गुरुजी? गायनाचार्य जो हैं आपको इनको कहा जाता है बालकृष्ण जी को, और ये भी आपके गुरु हैं। कोई बात नहीं, डरिए मत। गजानन जोशी ने गायन के अलावा किस विद्या में महारत हासिल की थी? आपके गजानंद ने जो आपके कौन सी विद्या में महारत हासिल की थी? तबला, पखावज, वायलिन और सितार।
कोई बात नहीं, आप मेरे प्रश्न का इंतज़ार करें, आंसर का इंतज़ार करें, और उसके बाद में अपन जो है पढ़ते जाएंगे, ठीक है। ऐसे प्रश्नों का जवाब आपको आना चाहिए। 1, 2, 4 गलत है, वॉयलिन से इनका संबंध जो है आपके जाना जाता है। दोस्तों गलत नहीं करें, वॉयलिन से गजानन राव जो जोशी हैं उन्होंने आपके तबला पखावत सितार नहीं, आपके जो है वॉयलिन में जो है आपने महारत हासिल की थी। इसके अलावा 30 जनवरी 1911 के अंतर्गत जो है आपका जन्म हुआ है। कब हुआ? 30 जनवरी 1911। अनंत मनोहर जो है जोशी, इनके पिताजी का नाम है कि नहीं है, अंतु बुआ जिनको कहा जाता है। और दोस्तों गजानन राव जोशी को गायकों का गायक भी कहा जाता था, गायकों का गायक भी जो है कहा जाता था आपके गजानन राव जोशी जी को, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के लिए, प्रश्न संख्या आपके 13। अथनका का संबंध किस विद्या से है, नगारा, ढोलक, तबला या सितार? अथनका का सब जो है संबंध किस विद्या से है, अथनका का संबंध जो है कौन सी विद्या से है बताइए। तो देखिए अथनका का संबंध तो दोस्तों आना ही चाहिए। ये प्रश्न अगर किसी का गलत होता है तो मतलब आपने पढ़ाई थोड़ी कम की है। ये अगर प्रश्न गलत होता है तो आपने पढ़ाई थोड़ी सी कम की है भैया। हाँ, ये सी मंजू प्रजाति मैडम, कैसे सी पे जा रहे हो आप, और आपके जो तबले में जा रहे हैं आप, क्या मंजू प्रजाति मैडम सी पे कैसे जा रहे हो? सी गलत है, डी गलत है, 2 गलत है। नगारा से जो है अतन खां साहब जो है इनका संबंध नगारा से जो है आपके जाना जाता है, हाँ ना दोस्तों। डरना नहीं है, ये जो है एग्जाम में अगर ऐसे प्रश्न आ जाए तो पहले ही वास्ता इनसे करवा देते हैं, ठीक है ना। अतन खां साहब का संबंध जो है आपके नगारा से, और बुलंद शहीद क्या है, बुलंद शहीद आपके जो है परंपरा है, उस परंपरा को आगे निभाने में आपका हाथ जाता है। 1991 में जो है आपको ब्रिज संगीत विद्यापीठ मथुरा द्वारा ब्रिज लोक संगीत महा महोपाध्याय की उपाधि आपको दी गई थी, ठीक है। ऑप्शन संख्या 1। अब इसी में पूछ लिया आपके कि अकबर का संबंध जो है वो किस विद्या से जाना जाता है, तो दोस्तों नगारा से अकबर का संबंध जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। अकबर का संबंध जो है नगाड़ा से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के लिए, भिन्न को चुने आपके अंबादास पंत, आगले, अयोध्या प्रसाद, अर्जुन सेजवाल, अमीर हुसैन, आपके डिफरेंट को चुनना है, और डिफरेंट इसमें से क्या है उसको निकाल लीजिए। व्हाट इज द डिफरेंट इन दिस क्वेश्चन दोस्तों, इस प्रश्न में डिफरेंट निकालना है और निकाल लिया है मेरे प्यारे मित्रों ने। देखिए ऐसा नहीं करें, ये प्रश्न जो है एक एक प्रश्न जो है 1,00,000 रुपए का प्रश्न है, ये आप कम मत मानिएगा इन प्रश्नों को, और तुक्केबाजी का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि टीसी म्यूजिक जो है सभी जानते हो, है ना। अंबादास पंत आगले जो है नहीं है, पखावत से संबंध है इनका, ठीक है। अयोध्या प्रसाद पखावत से संबंध है, अर्जुन सेजवाल पखावत से संबंध है, अरे भाई अमीर हुसैन जो है इनका तबले से संबंध है, इनका संबंध तबले से है न कि आपके पखावत से है। तो आपके अमीर हुसैन जो है वो आपके तबले से जाने जाते हैं, आपके अहमद खां के पुत्र 1899 में जिनका जन्म हुआ है आपके अमीर हुसैन खान साहब का। तो अमीर हुसैन खान साहब जो है इनका घराना कौन सा जाना जाता है, छापिए कमेंट बॉक्स में इनका घराना कौन सा हो जाएगा। प्रश्न संख्या है 15, अगर इसका आंसर नहीं दिया तो फिर गड़बड़ है मामला। तबला संगत एवं कलाकार, स्थान, स्थिति और योगदान, पुस्तक के लेखक विष्णु नारायण भातखंडे, भीमसेन योगमाया या डॉक्टर जमुना प्रसाद पटेल? मुनीर खां के भांजे, पिंक सिटी ऑफ म्यूजिक जी, क्या हलचल है आपके? चलिए बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। तो मतलब नमस्कार शिवा मैडम, खुश रहिए, गॉड ब्लेस यू। तो तबला संगत एवं कलाकार, स्थान, स्थिति और योगदान, पुस्तक के लेखक जो हैं वो कौन हो जाएंगे? अरे अंजलि मैडम, अरे 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 अरे, डॉक्टर जमुना प्रसाद पटेल जी को घसीट के लेके आ रहे हैं, हैं डॉक्टर जमुना प्रसाद पटेल जी को घसीट के लेके आ रहे हैं बेचारे को, उनको क्यों घसीट के लेके आ रहे हो? अरे आपने पढ़ा होगा, तबले वाले टीचर्स ने ऐसे प्रश्न तो काफी करवाए होंगे मेरे ख्याल से, हैं। विष्णु नारायण भातखंडे जो हैं ये नहीं है इसके, भीमसेन या योगमाया डॉक्टर ये इनमें से हैं, तो आपके जो है ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है ना। आपके जो है डॉक्टर जमुना प्रसाद पटेल साहब तबला वादन की विस्तारशील रचनाएं जो है किसकी हैं? तबला वादन की विस्तारशील रचनाएं ये किसकी हैं? ये आपके डॉक्टर जमुना प्रसाद पटेल। और योगमाया जी, अरे योगमाया जी की तबले का उद्गम विकास जो है ये किसका है, हा? तबले का उद्गम विकास और योगदान वादन ये किसका? ये योगमाया जी का। आप भीमसेन सरल जो है ये इस पुस्तक का राइट आंसर आपके हो जाएगा, क्या होगा?
भीमसेन सरल जो हैं आपके तबला संगत कलाकार स्थान स्थिति और योगदान, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर प्यारे मित्रों हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के लिए। प्रश्न संख्या, तबले का घराना नहीं है 16, पटियाला, अजराड़ा, खरुखाबाद या दिल्ली, कौन सा जो है तबले का इनमें से घराना नहीं है? बिल्कुल, तबले का उद्गम, विकास और वादन शैलियां जो हैं वो हैं आपके उनका, योग माया जी का। तो इनमें से जो है, पूनम प्रजापति जी कह रहे हैं कि अरे वाह 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 वाह, प्रश्न को हल्के में मत लीजिएगा। अरे भैया, प्रश्न को हल्के में मत लीजिएगा, मतलब झटका जरा सा महसूस हुआ रे, लाइफ की गाड़ी ने कसके मारा ब्रेक। सोचा था हमने तो पढ़ लिए, लेकिन मैंने कहा अभी रुक जाइए, थोड़ा थोड़ा इंतजार करें। अरे भैया, दिल्ली घराना है, गायन का भी है, आपके वादन का भी है, दिल्ली गायन और वादन दोनों में है। आपके फरुखाबाद तबला है, आपका अजराड़ा तबला, तो पटियाला केवल और केवल आपके गायन का है। आपका क्या है? पटियाला जो है आपके केवल और केवल गायन का है आपके, ठीक है। और पंजाब जो है वो होता है आपके किसका? तबले का। पंजाब जो घराना है वो तबले का होता है। हाँ जी, खुश रहो, क्लास चल रही है, मैं क्लास से फ्री होके बात करूँगा। हाँ, अभी करवाता हूँ मैं, है ना, एक मिनट। तो मतलब आपके जो है पंजाब जो है, चलिए बहुत बेहतरीन जो है इस प्रश्न का जो है जवाब आ रहा है। और आपके ऐसा सोच रहे हैं कि सर ये प्रश्न क्यों लेके आए हैं, और स्पेशल डिमांड जो है आज के पेपर के लिए जो है मांगी गई है, स्पेशल जो है डिमांड, आपके स्पेशल डिमांड की गई थी कि सर कुछ तबले के प्रश्न आप लेके नहीं आते हो, आप तो गायन वाले के प्रश्न लेकर के आते हो, तो हमको लाने पड़े, हम क्या करें। तो आपके पटियाला जो है वो आपके क्या होता है? पटियाला आपका गायन का घराना है दोस्तों। अब दोस्तों, अब इनके जो है संबंध से रिलेटेड भी बता देना कि कौन कौन इनसे संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न के लिए। प्रश्न संख्या आपका स्क्रीन पे है 17, आदि ताल का संबंध हिंदुस्तानी किस ताल से है? रूपक, तीन ताल, एक ताल या सुलताल? आपके आदि ताल का संबंध जो है हिंदुस्तानी किस ताल से जाना जाता है? बहुत बेहतरीन प्रश्न है, इस प्रश्न का जवाब तो मतलब कितना भी पढ़ लो कम पड़ जाता है। अरे ऐसी बात नहीं, कम कैसे पड़ जाता, आपने जो पढ़ा है बहुत सही पढ़ा है, लेकिन कुछ और जानकारियां वो एड ऑन हो रही है, आप चिंता मत करें, बहुत बेहतरीन पढ़ा हुआ है आपका, बिल्कुल भी आप ऐसा नहीं सोचेंगे। आपका जो है ऑप्शन संख्या एक नहीं होगा, चार नहीं होगा, तीन नहीं होगा, आपके ऑप्शन संख्या दो, तीन ताल के समान जो है आपके आदि ताल जो है जानी जाती है, लेकिन सप्त सुलादी तालों में इस ताल को स्थान नहीं मिलता है। तो त्रिपुट ताल जो है आपके आठ मात्रा की वहां पे होती है, ठीक है ना, आदि ताल को स्थान नहीं मिलता, आदि ताल तीन ताल के समान जानी जाती है। प्रश्न संख्या कौन से में कह रहे हैं अत्तन खान साहब भाई? 13 में तो आपके नगाड़ा है ना, प्रश्न संख्या 13 में तो नगाड़ा है, क्या हुआ भैया बताओ, किसको प्रॉब्लम आ रही है 13 में? जल्दी से एक बार किसका मैसेज है ऊपर करो, एक बार स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 14 का अमीर हुसैन है ना। चलिए बहुत बेहतरीन, तो तीन ताल हो जाएगा आपके रूपक के समान जो है, हमारी हिंदुस्तानी रूपक के समान वहां से हो जाएगी जंप ताल, कौन सी हो जाएगी? जंप ताल। तो दोस्तों एक ताल के समान कौन सी हो जाएगी? अट ताल। और आपके जो है सुलताल के समान कौन सी ताल हो जाएगी? छाप के बताओ कौन कमेंट बॉक्स में कि सुलताल के समान जो है वो कौन सी ताल हो जाएगी। क्या अट ताल सही है एक ताल का, राइट या रॉन्ग, जल्दी से फटाफट जल्दी बताइए, फटाफट बताते जाइए, है ना, अट ताल आपका सही है ना। हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मट ताल जो हैं वो आपके हो जाती हैं, बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न के लिए। प्रश्न संख्या आपके स्क्रीन पर, ईश्वरलाल मिश्र के गुरु कौन थे? आपके दाऊजी मिश्रा, अनोखेलाल मिश्र, बाचा मिश्र या शांता प्रसाद मिश्र? आपके ईश्वरलाल मिश्र जी के गुरु का नाम क्या है? बहुत बेहतरीन प्रश्न, तबले वालों आ जाओ मैदान में, आज हमारे गायन वाले सिर्फ और सिर्फ हंसेंगे,
क्योंकि गायन वालों का तो कम है, अभी रागे आएंगी ना, जब देखना चौके छक्के लगाएंगे हमारे जो हैं गायन वाले। अभी सिर्फ और सिर्फ तबले वालों का टेस्ट चल रहा है, अवनत वाद्यों का। तो हैं ईश्वरलाल मिश्र के गुरु का नाम जो है क्या है, ईश्वरलाल मिश्र जी के गुरु का नाम क्या हो जाएगा? अरे भाई दाऊ जी मिश्र नहीं है इनके गुरु का नाम। दाऊ जी मिश्र तो कौन थे? दाऊ जी मिश्र तो इनके पिताजी का नाम है, और पिताजी छोटी सी आयु में आपके जो हैं एक्सपायर हो गए थे, तो अनोखे लाल जी के पास में फिर इनको भेजा गया था। अनोखे लाल जी इनके गुरु का नाम है, ठीक है, अनोखे लाल जी इनके गुरु का नाम है, बाचा मिश्र जी नहीं है, सामता प्रसाद जी गुदई महाराज जो हैं ये नहीं है। आपके जन्म की बात करें तो 1944 में जो है आपका बनारस में आपका जन्म होता है, और बनारस घराना ही आपका जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न के लिए आप चलते हैं, कायदा और पेशकार पुस्तक के लेखक कौन है? मुकुल राय चौधरी, सत्यनारायण वशिष्ठ, अबाने मिश्री या अरुण कुमार सेन जो है इस पुस्तक के लेखक है, कौन है? बहुत बेहतरीन, कायदा और पेशकार पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन हो जाएंगे? बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। आप लोग जो है इतना अच्छा अच्छा आंसर दे रहे हो कि मुझे लग रहा है कि आज तो मैंने जो है कम पढ़ा है, इसका मतलब मैंने कहीं ना कहीं कम पढ़ा है, मुझे ऐसा एहसास हो रहा है। वेरी नाइस, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। पानी तो बहुत बेहतरीन। तो इस प्रश्न का जो है सही आंसर देने की कोशिश की जा रही है, कौन दे रहे हैं सही आंसर इस प्रश्न में? मुकुल राय चौधरी नहीं होंगे, अरुण कुमार सेन नहीं होंगे, अबाने मिश्री नापके नहीं होंगे इस प्रश्न का सही आंसर। इस प्रश्न का सही आंसर होंगे सत्यनारायण वशिष्ठ, सत्यनारायण वशिष्ठ जो है इस प्रश्न का, सभी जो है इस प्रश्न का सही आंसर दे रहे हैं। नवीन व्यास जी थोड़ा सा संभल जाइए, थोड़ा सा संभल के चलो, ठीक है ना। और मुकुल राय चौधरी जी का कौन सा पुस्तक इंक्रीजिंग आपके इंक्रीजिंग पॉपुलरिटी ऑफ द तबला, ऐसा करके पुस्तक आती है ना, इंक्रीजिंग टू द इंक्रीजिंग तबला पॉपुलरिटी तबला, ऐसा करके पुस्तक है आपके, वो है मुकुल राय चौधरी जी का, ठीक है। आपके आ रहा प्रश्न संख्या 20, दोनों हाथ से एक साथ आघात करना किस क्रिया के अंतर्गत आता है? ध्रुवा, सनिपात, सम्या या ताल, किसके अंतर्गत जो है दोनों हाथों से एक साथ आघात करना किस क्रिया के अंतर्गत आएगा? प्रश्न संख्या आपके स्क्रीन पे है 20, 2020 मैच चलता हुआ, और 2020 मैच में कौन जो है छक्के और चौके की बारिश कर रहा है, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, सब बढ़िया होगा, ठाकुर जी की कृपा आप पे बनी रहेगी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होता जा रहा है, और देखिए कैसे खिलखिलाते हुए चेहरे निकल रहे हैं, और ऑप्शन संख्या जिन्होंने डी दिया है वो क्लीन बोल्ड हो गए, ऑप्शन संख्या एक वाले क्लीन बोर्ड, तीन वाले क्लीन बोर्ड सिर्फ और सिर्फ बच गए हैं ऑप्शन संख्या चार वाले। सन्निपात जो है वो उसमें क्या होता है कि एक साथ दोनों हाथों से आघात करना, वो क्या होता है सन्निपात, ताल में नहीं होता, ताल में बाएं हाथ को ऊंचा करके आघात करना वो होता है आपके ताल के अंतर्गत, ठीक है ना। और सम्या में दाहिने हाथ से आघात करना, और ध्रुवा में जो है आपके चुटकी बजाने का शब्द, यानी कि चुटकी बजाने का जो क्रिया होती है वो आपके होती है ध्रुवा के अंतर्गत। तो दोस्तों ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? सशब्द क्रिया, क्रिया दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की आपकी क्रिया होती है, सशब्द क्रिया होती है और आपकी निशब्द क्रिया होती है। तो ये आपको जो दिखाई दे रही है ये कौन सी क्रिया है? बिल्कुल सन्निपात में ताली जैसा। तो आपके जो है कौन सी क्रिया के अंतर्गत जो है आपके आपके आ रहे हैं? तो ये है आपके सशब्द क्रिया के अंतर्गत, निशब्द क्रिया में नहीं है, सशब्द क्रिया में आपके आ जाएंगी। नेक्स्ट प्रश्न के लिए चलते हैं, प्रश्न 21, कोठीवाल घराने का संबंध किस घराने से? अजराड़ा, लखनऊ, बनारस और जयपुर। कोठीवाल जो घराना है इसका संबंध जो है किस घराने से आपका जाना जाता है? दोस्तों सिर्फ और सिर्फ अब की बार ज्यारब पार, नारा एक ही है, कोठीवाल घराने का संबंध जो जाना जाता है, ऑप्शन संख्या एक दो तीन चार में से जवाब आ रहा है, देखिए किसका जवाब आएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से जवाब देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सभी ने जो है बेहतरीन जवाब दिया है, और सीधा मनिक शर्मा जी आपने जो है थोड़ा सा बॉल को बाउंड्री की तरफ उठाने की कोशिश की लेकिन कैच आउट हो गए हैं आप। लखनऊ घराना जो है वो कोठीवाल घराने के हिसाब से जाना जाता है दोस्तों, लखनऊ घराना जो है वो कोठीवाल घराने के हिसाब से जाना जाता है दोस्तों। आगामी यूजीसी नेट दिसंबर के लिए 25 आपके जून से आपके रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो जाएंगे, आप जो इच्छुक विद्यार्थी हैं वो आपके रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर लें, प्रारंभ कर लें, और आपको जो है रिकॉर्डेड पीडीएफ्स वगैरह सारी जो है फैसिलिटी एक ही साथ, वोकल आपका जो है वादन सभी एक साथ आपको मिलने वाला है, तो जो इच्छुक हैं वो आप ज्वाइन कर सकते हैं 25 जून से। ऑप्शन संख्या दो इस प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 22, गामा महाराज का वास्तविक नाम विकू महाराज, गोपाल मिश्र, नारायण प्रसाद मिश्र या मेमन सिंह, क्या है आपके गामा महाराज का वास्तविक नाम?
गामा महाराज का वास्तविक नाम जो है वो क्या हो जाएगा। दोस्तों जाना नहीं है, अगर सुबह एग्जाम में अगर ये प्रश्न आ गया, अब यहाँ तो अभी चुपचाप देख लो, कोई दिक्कत नहीं गलत हो जाएगा तो, लेकिन सुबह अगर गलत हो गया तो वहाँ कोई बचाने नहीं आएंगे, वहाँ कोई बचाने नहीं आएंगे। विक्कू जी, गोपाल जी, नारायण जी ये सब कह रहे हैं कि अभी तो हम बचा सकते हैं, सुबह हमारा जोर नहीं चलेगा, है ना, अभी हमारे को दी हुई है बागडोर, संभाल लीजिए भैया। नारायण प्रसाद मिश्र जो है इनका एकदम करेक्ट आंसर है, वास्तविक जो नाम है नारायण प्रसाद मिश्र है। और मेमन सिंह जी तो आपके नेपाल के एक नरेश थे, नेपाल के यहाँ पे जाया करते थे, तो वो मेमन सिंह जी हैं। और बीकू महाराज तो हमने ऐसे ऑप्शन में लिया है, खलीफा इनको कहा जाता था, बीकू महाराज कौन है, बीकू महाराज बताइए कमेंट बॉक्स में छाप करके, बनारस घराने से संबंधित है ये। प्रश्न संख्या आपके 23, श्री ताल में कितनी मात्रा होती है, 7 होती है, 9 होती है, 11 होती है, 13 होती है, श्री ताल के अंतर्गत है ना आपके कितनी मात्रा होती है। प्रश्न संख्या 23 आपके स्क्रीन पे चल रहा है, धुआंधार तरीके से पेपर चलता हुआ, और आपके 7, 9, 11 और 13, तो दोस्तों इसमें 13 नहीं, 11 नहीं, 7 नहीं, 9 मात्रा आपके श्री ताल के अंतर्गत होती है। दोस्तों हाउ मेनी टाइम्स मैंने क्लियर किया है ये प्रश्न, उसके बावजूद भी आपको जो है यहाँ पे दिक्कत आ रही है, 9 मात्रा की ये ताल होती है आपकी। कितने मात्रा की, सिर्फ और सिर्फ 9 मात्रा की ताल होती है। जो दोस्तों कुछ ताले मैंने ऐसी ली हैं जो आपको जानना जरूरी है, क्यों जानना जरूरी है, क्योंकि अगर कल अवनत वाद्य के पेपर में जब ताल आएंगी तो सिर्फ टीसी म्यूजिक याद आएगा, अरे तारा सर ने बताया तो था लेकिन अब क्या करें। लेकिन विभाग होते हैं 4 इसके अंतर्गत, कितने विभाग होते हैं, 4 विभाग होते हैं, 1, 3, 7 पर आपके ताली होता है और 5 पर इसके अंतर्गत खाली होता है, ये ध्यान रखना। चलिए स्वतंत्र वादन में आता है, तीनों जो है लय बजाई जा सकती है। 13 मात्रा का ताल चुने, गरुड़, वरुण, शुभ या अष्टमंगल, 13 मात्रा का ताल इनमें से जो है कौन सा हो जाएगा, गरुड़ हो जाएगा, वरुण हो जाएगा, शुभ हो जाएगा या अष्टमंगल हो जाएगा, कौन सा ताल होगा आपके 13 मात्रा का ताल। बहुत बेहतरीन तरीके से यानी कि जो है ताल होने वाला है, मेरे प्यारे मित्रों गड़बड़ ना करो, गड़बड़ ना करो, इस प्रकार अगर आंसर दोगे, 13 मात्रा का ताल पूछ रहा है और आप कहाँ आंसर दे रहे हो, सीधे क्लीन बोल्ड हो रहे हो, जो फुलटोस बोल आ रही है उस पर आप क्लीन बोल्ड हो रहे हो। शिवांगी मैम, आशा मैम, नेहा मैम और म्यूजिकल स्टडी शिवांजलि जी, वीरू जी आप क्या कर रहे हो, प्रविधा मैडम, सपना स्वामी जी, दीप्ति जी, अरे क्या कर रहे हो, पूछा है 13 मात्रा का ताल आपको बताना है, क्या कर रहे हैं मेरे प्यारों, ऐसे अगर गलत जवाब दोगे तो गड़बड़ हो गया। अरे अष्टमंगल या तो होती है 22 मात्रा की और या होती है आपके 11 मात्रा की, अष्टमंगल जो है वो या तो होती है 11 मात्रा की या होती है 22 मात्रा की। और शुभ ताल, शुभ ताल यहाँ पे जो है नई ताल आपके समकक्ष आई है, 17 मात्रा की ताल होती है शुभ ताल, दोस्तों 17 मात्रा की ताल है शुभ ताल। और यहाँ पे आपके जो है वरुण आपको दिखाई दे रहा है, ये है आपके 11 मात्रा की ताल, तो गरुड़ जो बच जाता है वो है आपके 13 मात्रा की ताल। कितनी है, गरुड़ जो है वो आपके 13 मात्रा की ताल है, तो इसलिए अभी तो मैं आपको संभाल लूंगा, चिंता ना करें बिल्कुल भी, है ना, अभी तो मैं संभाल लूंगा आपको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के लिए चलते हैं, प्रश्न संख्या आपकी स्क्रीन पर 25, चक्रधर सिंह जी का जन्म माना जाता है 1902, 1904, 1908, कब जो है आपके राजा चक्रधर सिंह जी का जन्म जो है माना जाता है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 25 आ गया, जितना हम करवाते हैं उतना तो हम करवा दिए, आप कहते हैं तो मैं फुल स्टॉप लगा देता हूँ, बताइए आप कह दो कि आगे बढ़िए, मतलब मजा तो अब आने वाला है। अभी तो सिर्फ ट्रेलर दिखाया है इनको, हम किनको, सिर्फ और सिर्फ वादन वालों को, अभी तो ट्रेलर दिखाया है वादन वालों को, अभी गायन वालों रुक जाओ, आपका भी समय आ रहा, काय को चिंता करते हो। तो आपके जो जन्म होगा इनका 1904 के अंतर्गत इनका जन्म जो है माना जाता है राजा चक्रधर सिंह जी का, ठीक है, रायगढ़ छत्तीसगढ़, रायगढ़ छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आपका है, छत्तीसगढ़ से आपका जन्म जाना जाता है। पिता का नाम है आपका भूपत देव, क्या नाम है, भूपत देव इनके पिता का नाम है, और गुरुजी के नाम जो जाना जाता है इनका, लक्ष्मण सिंह इनके गुरुजी का नाम जाना जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के लिए, प्रश्न और इनके भाई हैं आपके, एक तो है नारायण सिंह इनका भाई है, एक पीला लाल जो है, एक तो तबले से संबंधित है, एक दूसरा पखावज से संबंधित है, ऑप्शन संख्या 4 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आपके स्क्रीन पर है, अब तो खुश हो जाइए, अब तो खुश हो जाइए, वो 25 प्रश्न जो कंपलसरी वाले आते हैं ना, वो प्रश्न थे 25, वो प्रश्न थे,
अब थोड़ा सा राहत की चैन ले लीजिए, पानी पी लीजिए, एक बार थोड़ा सा पानी पी लीजिए, क्योंकि आधा घंटा हमारे पास में है और आधा पेपर पूरा पड़ा है। चिंता ना करें, अब तो देंगे, अब आ गए हैं हमारे जो है समय इनका आ गया है। अब रुक जाओ वादन वालों, अब देखिए गायन वाले, अब देखते हैं नंबर लेते हैं आपका, अब कहाँ जाओगे, अब बच के कहाँ जाओगे। क्वेल जो रेस्ट है वो आपके 1/2 नहीं होता है, 1/4 नहीं होता, 1/16 नहीं होता, 1/8 जो है इसका मान आपके होता है। 1/2 से अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा हमारा मिनिम जो है वो 1/2 हो जाएगा। 1/4 से अगर पूछा जाए तो क्या हो जाता है, क्रोचिट जो है आपका हो जाए, क्या होता है, क्रोचिट जो हो जाता है। और 1/16 अगर पूछ लिया जाए तो ये किसका मान हो जाता है, छापिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के लिए। ये है आपके वेस्टर्न में, वेस्टर्न दिया हुआ तो वेस्टर्न है, इंडियन अगर होता तो आपके इनको कर लीजिए। क्या करना है, डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है, चलिए बताइए। प्रश्न संख्या आपके स्क्रीन पे है 27। अष्टछाप कवि नहीं है, ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, कृष्णदास, तुलसीदास, कुंभनदास, चतुर्भुजदास जो है कौन जो है आपके अष्टछाप कवि में से नहीं है। जिन्होंने लाइक कर दिया ना उनको तो सारे प्रश्न जो है दिमाग में छप रहे हैं, और जिन्होंने लाइक वाइक नहीं किया है तो उनको देखिए मैं कह नहीं सकता उनके दिमाग में छप रहे हैं या नहीं छप रहे हैं। जिन्होंने लाइक किया ना उनको डेफिनेटली उनके तो छप रहा है। अब जो माने गुरुजन की सीख तो डेफिनेटली छपना है, और जो ना माने गुरुजन की सीख तो फिर प्रश्न भी कहता है बेटा जी मैं भी थोड़ा सोचूंगा रे, ठीक है ना। तो कृष्णदास बिल्कुल है, कुंभनदास बिल्कुल है, चतुर्भुजदास बिल्कुल है, आपके तुलसीदास जो हैं वो अष्टछाप कवियों के अंतर्गत जो हैं नहीं जाने जाते हैं। आपके तुलसीदास जी जो हैं वो नहीं जाने जाते हैं अष्टछाप कवियों के अंतर्गत, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न के लिए। प्रश्न संख्या आपके स्क्रीन पर आ रहा है, गतिक का प्रयोग स्वरों के लिए किस विद्वान ने किया था, शारंगदेव, वेंकटमुखी, अहोबल या पुंडरीक विट्ठल, किसने जो है गतिक शब्द का जो है प्रयोग किया है। अब क्या पता दिमाग में तो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, लेकिन जो है चल तो रहा है कुछ ना कुछ, तो कुछ ना कुछ तो चल रहा है। क्या पता मुझे देख ले भैया, मुझे कह दे आपने ऐसे कैसे लिखा, आपके पास में सीधा सा कुछ आ जाए तो गड़बड़ हो जाए मामला, है ना। तो इसमें से जो है ऑप्शन संख्या जो है आपके 4 जो है सही आंसर होगा, पुंडरीक विट्ठल जो है इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर, सभी का जो है बहुत शानदार आंसर आ रहा है। बहुत डर बढ़ दिया आपने वाले आए हैं है? हाँ, तो अब जो है ऑप्शन संख्या 4 जो है इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा। ग्रंथ दोस्तों कौन कौन से हैं ग्रंथ इनके, इनके ग्रंथ आपके नृत्य निर्णय ग्रंथ है, सदराग चंद्रोदय, और कौन सा ग्रंथ है इनका, फटाफट ग्रंथ छापिए इनका। हाँ अरे दोस्तों कोई बात नहीं, अभी गलत हो रहे हैं, आप डिमोटिवेटेड मत हो, अपने दिमाग को शांत रखो, आप सबका पेपर अच्छा होगा, परेशान ना हो, एंजॉय करो अभी क्लास को, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को जो है, बेस्ट ऑफ लक, और शतक आप लोगों का लग चुका है, तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल। चलिए तो इस प्रश्न में आपके जो है क्या हो जाएगा, आपके पुंडरीक विट्ठल जो है एकदम करेक्ट आंसर जो है इस प्रश्न के लिए हो जाएगा। और दोस्तों अब आ गए हैं आपके गायन वाले प्रश्न, तो अब आपके बेहतरीन प्रश्न आएंगे, आप डीमोटिवेट बिल्कुल भी मत होइए, ठीक है ना। सदराग चंद्रोदय, जैसे आपने बताया कि सदराग चंद्रोदय हैं, राग मंजरी हैं, और आपके नूतन निर्णय हैं, राग माला है, है ना। चलिए देखिए थॉट पॉजिटिव रखिए, कभी भी ऐसे नहीं सोचना है कि जो है मेरे तो क्या होगा, मेरे प्रश्न ऐसे जा रहे हैं वैसे जा रहे हैं, मम्मी आज तो मन नहीं लग रहा है, नहीं नहीं सब अच्छा होगा, चिंता नहीं करना, ठीक है। और आपके शारंगदेव, संगीत रत्नाकर, अरे संगीत रत्नाकर 7 अध्याय आपके हैं या नहीं है, आपके 264 रागों का वर्णन मिलता है कि नहीं मिलता है, आपके जो है प्रबंध 75 का वर्णन मिलता है कि नहीं मिलता है, गीतियाँ 5 का वर्णन मिलता है कि नहीं मिलता, ग्राम राग 30 का वर्णन मिलता है कि नहीं मिलता है। तो दोस्तों ये हैं आपका शारंगदेव, और वेंकटमुखी ने बेहतर थाटों की रचना की है कि नहीं की है, बेहतर थाटों की रचना जो है वेंकटमुखी ने की है या नहीं की है, तो ये है वेंकटमुखी। अहोबल संगीत पारिजात वाले हैं या नहीं है, अहोबल जो है संगीत पारिजात वाले हैं या नहीं, तो ऑप्शन संख्या 4 इस प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न संख्या आपके हैं 29। धर्मावती राग हिंदुस्तानी किस राग के समान है, शिवरंजनी, मदमात सारंग, मालकोंसिया, मधुबंती। आपके धर्मावती राग जो है किस राग के जो हैं समान आपकी हो जाएगी, आपके कहती हैं
कि राग जो है धर्मावती जो है किस राग के समान हो जाएगी। दोस्तों ये प्रश्न 101% में से आने वालों में से प्रश्न होते हैं ये वाले प्रश्न, इसलिए ऐसे प्रश्नों का जो जवाब है। हाँ अब देखो हमारे इनकी नींद अब खुल गई है, हमने कहा रे भैया शतक लगा दी, ये दोनों हाथ अब ऊपर करके जश्न मना रहे हैं बेटे जी लो, है ना, कोई बात नहीं। तो ऑप्शन संख्या 1, 2, 3, 4 में से सही जवाब होगा सागम पाने साने द पम गरे सा रस्मे उल्पत, आप सभी का फेवरेट सॉन्ग। तो मधुबंती जो है आपका इस प्रश्न का सही आंसर दोस्तों हो जाएगा। अब आपसे पूछ ले कि शिवरंजनी का क्या होगा, तो शंकर प्रिया यानी कि शक्कर प्रिया जो है वो आपके इसका हो जाएगा, और मधमाद सारंग का जो है क्या हो जाएगा, मधमाद सारंग का मध्य मावती करके एक राग होता वो हो जाएगा आपके मधमाद सारंग, और जो है मालकोंस का क्या होगा ये आपको बताना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में छाप करके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के लिए चलते हैं। सेंट पद्धति में लघु का मान कितना है आपके, 182, 190, 204 या 112, कल ही पेपर में मैंने ये क्लियर करवाया है, सेंट पद्धति में लघु का मान कितना होगा, कल के पेपर में मैंने क्लियर करवाया है सेंट पद्धति के अंतर्गत लघु का मान। तो सेंट के अंतर्गत एक सप्तक का मान कितना होता है, अरे हिंडोलम का हिंडोल कैसे होगा रे, हिंडोलम जो है उसका हिंडोल होगा। मालकोंस का क्या होता है रे, मालकोंस का क्या होता है ये बता दीजिए हमको, तो मालकोंस का क्या होता है, मोहनम होता है, भूपाली का क्या होगा फिर, तो ऑप्शन संख्या 1, 2, 3, 4 में से सही जवाब देना है। क्या देंगे सही जवाब, तो अंजू पांडे जी गलत जा रहे हैं, गलत जवाब है ये, और 204 जो दे रहे हैं वो गलत जवाब है। आपसे पूछा सेंट पद्धति में लघु का मान कितना है, तो 182 जो है लघु का मान होता है कि नहीं होता है, 182 जो है वो लघु का मान आपके होता है या नहीं होता है, गड़बड़ ना करें रे भैया, गड़बड़ ना करें है? क्या कह रहे हैं कि सर आप नेपाली बोनापार्ट के छोटे भाई हो, कौन कह रहे भाई ये गलत अफवाह कौन फैला रहा है, नेपाली बोनापार्ट का लेना देना हमारा क्या है, हम कोई नेपाली बोनापार्ट से लेना देना नहीं है हमको, हाँ गलत बात नहीं। हाँ तो इस प्रश्न का जो है सही जवाब क्या हो जाएगा, एकदम बेहतरीन जवाब जो है देने के लिए जा रहे हैं, 182 जो है इस प्रश्न का जो है सही आंसर आपका हो जाएगा, बहुत बेहतरीन, क्या बात है क्या बात है क्या बात है क्या बात है। हाँ ये अभी अभी एक लेटेस्ट एक प्रश्न का जवाब दिया था कि मालकोंस जो है उसका क्या होगा दक्षिण नाम, मालकोंस का दक्षिण नाम क्या होगा, सब दे रहे हैं कि हिंडोलम तो आपके जो है उसका है, किसका है, किसका है हिंडोलम ये बताओ, आपको मालकोंस का क्या होगा ये बताओ हमको, हाँ मालकोंस का हिंडोलम होगा आपका, हिंडोल हिंडोल कर रहे हैं, मैंने कहा हिंडोल तो कहाँ से आ गया, हिंडोलम सही आंसर है, अब सही है, हाँ पहले गड़बड़ कर दिया था आपने। तो ऑप्शन संख्या 1 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, और गुरु का पूछ ले तो 204 है, अर्ध स्वरों का पूछ ले तो 112 है, और 1200 जो है एक सप्तक का जो है मान इसके अंतर्गत हो जाता है, कितना होता है एक सप्तक का पूरा मान जो है 1200 आपका हो जाएगा। प्रश्न संख्या है 32 आ गया क्या, मारवा थाट से कितनी राग उत्पन्न होती है, 10, 12, 13 या 3, मारवा थाट से कितनी राग उत्पन्न होती है, प्रश्न संख्या है आपके स्क्रीन पे 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा, मारवा थाट से कितनी जो है आपके रागें उत्पन्न होती है। अभी जो है लेटेस्ट इवनिंग की क्लास में जो है आपको रागें नोट करवाइए, अभी अभी नोट करवाइए कुछ देर पहले ही, और मारवा में जो है आपके कितनी है, तो मारवा में मेरे प्यारे 10 नहीं है, 3 नहीं है, 13 नहीं है, 12 जो है आपके मारवा के अंतर्गत मानी जाती है, कितनी है मारवा के अंतर्गत आपकी 12 है, और पूर्वी के अंतर्गत जो है आपकी कितनी है, पूर्वी में आपकी 10 है, और आपकी जो है इसमें तोड़ी में कितनी है, तोड़ी में आपके 3 है, और आपकी आसावरी के अंतर्गत 10 हो जाएगी, आसावरी में 10 हो जाएगी, तो 13 किसमें होगी भैया, 13 का कमेंट बॉक्स में छाप करके बताइएगा, कल का ये प्रश्न है कि 13 जो है हमने कल बताइए, तो 13 है आपके कल्याण में, तो बिलावल में कितनी होती है बिलावल का भी बताओ, बिलावल में कितनी होती है बिलावल का भी बता दो, कल बताया था ना बिलावल में। चलिए 18 जो है बिलावल के अंतर्गत होती है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या आसावरी थाट में कितने सेमीटोन होते हैं, 2, 4, 3 या 5 सेमीटोन जो है आसावरी थाट के अंतर्गत कितने होंगे,
ना। तो यहाँ पे पूछा है, आपके प्रश्न संख्या है आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, और इस प्रश्न का सही जवाब जो है क्या हो जाएगा, यानी कि 2, 4, 3 या 5 ऑप्शन संख्या दे रहे हैं आपके, 2 ऑप्शन संख्या दे रहे हैं, 3 ऑप्शन संख्या दे रहे हैं, 1 ऑप्शन संख्या, मतलब जो मन में आए वो ऑप्शन संख्या दे रहे हैं, दे धनाधन। अरे भैया 2 जो है सेमीटोन इसके अंतर्गत होते हैं, कितने होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 सेमीटोन होते हैं और 5 टोन इसके अंतर्गत होते हैं। किसी को डाउट है, एक्सप्लेन करने की जरूरत है इसको, नहीं है तो आगे बढ़ता हूं मैं, बताइए जल्दी से, अगर एक्सप्लेन करना हो तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं इस प्रश्न को, नीड है इस प्रश्न को एक्सप्लेन के लिए। चलिए, किसी को कोई नीड नहीं है, नहीं सर हमको कोई नीड नहीं है, हम तो बहुत जो है आप तो जानते ही हो, हम तो ऐसे प्रश्न जो हैं उंगलियों पे चुटकियों पे जो हैं ऐसे प्रश्नों को उठा उठा के फेंक देते हैं, हम तो ऐसे प्रश्नों को चुटकियों पे जो हैं उठा उठा के फेंक देते हैं, इसलिए हमको जो है काय का चिंता करना है, ऐसे प्रश्न तो हमको आते हैं ना, हाँ आपको आते हैं तो हमको भी आते हैं, इसलिए ऑप्शन संख्या 2 जो है इस प्रश्न का राइट आंसर, 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, 2 टोन है और 5 इसके अंतर्गत सेमीटोन आपके होते हैं, ठीक है 5 सेमीटोन इसके अंतर्गत आते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न के लिए, प्रश्न संख्या आपके स्क्रीन पर, छपेली किस प्रदेश का लोक नृत्य है, थैंक यू सो मच, बिहार असम हिमाचल गोवा। देखिए बच्चे, कुछ बच्चे हैं जो एक्सेप्ट करते हैं कि सर हमने सीखा है आपसे, और कुछ बच्चे थोड़ा सा आ जाता है तो कहते हैं कि नहीं हमने सीखा क्या, उनको तो हमने सिखाया, लेकिन दोस्तों आपको सच्चाई बताऊं, मैं खुद आप लोगों से सीखता हूं, मैं खुद एवरी टाइम सीखता हूं, कभी भी ऐसा नहीं है कि मैं जो है संपूर्ण हो गया हूं। मेरे गुरुजी ने कहा कि बेटा सीखते रहना जिंदगी भर, सीखोगे तो जिंदगी में आगे बढ़ते रहोगे, अगर सीख गया कंप्लीट तो गाड़ी रुक जानी है, तो मेरी जगह जब आ जाएगा बेटा, जब तू सीख जाएगा, तो मैं अभी सीख रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ मैं अभी सीख रहा हूं। सर जो है चपेली उत्तराखंड का है, उत्तराखंड है ही नहीं चपेली में या आंसर में, तो कहां से आएगा भाई चपेली, अरे भैया बिहार का नहीं है, असम का नहीं है, गोवा का नहीं है, और हिमाचल का जो है आपके चपेली को हम लेंगे, चपेली को जो है हिमाचल का हमें लेंगे। वैसे तो कहते हैं कि उत्तराखंड का ये आपका चपेली है, लेकिन ऑप्शंस में नहीं है तो हम इसको हिमाचल का लेंगे, और गोवा का जो है कौन सा, दक्षिणी, गोवा का दक्षिणी हो गया, और बिहार का आपका कौन सा हो गया, बिहार का छऊ हो गया, और असम का कौन सा हो गया, है ना, असम का हो गया तवल करके का होता, तो असम का हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के लिए चलते हैं, प्रश्न संख्या आपके स्क्रीन पर है 36, कटप्पयादि संख्या में शुभ पंतु रावली किस क्रम संख्या का है, 50, 45, 65 या 51। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, अगर आप लोगों का क्लियर हुआ है तो ये मेरा कोई भी इसमें हाथ नहीं है, आप लोगों की मेहनत है, आप लोग जो है बहुत बेहतरीन तरीके से आप सीखे हैं, जिसलिए सीख पाए हैं, ठीक है ना। 34 नंबर का बता दीजिए, 34 नंबर में क्या था, 34 में क्या रह गया है, सर गले का लियाज करवा लीजिए, मेरे सामने पड़ोसी रामलाल रस्तोगी निकल लिए गुरुजी। अच्छा, और ये उनको कह दीजिएगा कि ऐसे गड़बड़ मत करो भैया, आसावरी थाट में कितने सेमीटोन है, इसमें 2 सेमीटोन है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के लिए चलते हैं, छपेली क्या गया इसका, और कटप्पयादि में आपके शुभ पंतुरावली कितना है भैया, शुभ पंतुरावली तो कटप्पयादि आपको सबको आना चाहिए, तो 45 जो है आपके इसकी संख्या जानी जाती है, कितनी है 45 जो है इसकी संख्या जानी जाती है। अभी कुछ ही समय पहले जो है किसी ने पूछा था कि ये जो है आपके आसावरी का कितना होगा क्या होगा, तो आप जो है फटाफट से सभी का लिख लीजिए, अगर मेच कल्याणी आपसे पूछ लिया जाए तो 65 नंबर पर है मेच कल्याणी, ठीक है, अभी याद करने का इतना टाइम नहीं है, तो सीधा सिंपल तरीका मैं आपको बता देता हूँ, और आपके जो है शुभ पंतुरावली हो गया 45 पे, और 65 पे आपका मैच कल्याणी हो गया, और आपसे पूछ लिया जाए माया मालव गोड़ कितने पे, तो 15 पे माया मालव गोड़ आपका हो जाता है, आपके पूछ लिया जाए गमन प्रिया कितने पे, तो 53 पे गमन प्रिया है आपके, आपके पूछ लिया जाए खर हर प्रिया कितने पे, तो आपके 22 पे खर हर प्रिया है, आपके पूछ लिया जाए आसावरी नट भैरवी भी कितने पे, आपके 20 पे हैं, आपसे पूछ लिया जाए कि हरी काम्बोजी कितने पे, तो 28 पे हरी काम्बोजी हैं, आपसे पूछ लिया जाए धीर शंकराबण कितने पे हैं, तो आपके कितने पे, 29 पे, या कितने पे धीर शंकराबण, और आपके पूछ लिया जाए हनुमत तोड़ी कितने,
कितने पे, तो 8 पे आपकी हनुमत तोड़ी हो जाती है। ये सभी के सभी जो आपको एक्सप्लेनेशन कर दिया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के लिए। अब मत कीजिएगा सर हम इनमें प्रॉब्लम है। कर्नाटक संगीत में गमकों की संख्या कितनी है, 20, 15, 10 या 8? गमक की संख्या कितनी है दोस्तों, फटाफट बता दे जाइए, समय नज़दीक आ रहा है। तो आपके गमक की संख्या हो जाएगी कर्नाटक संगीत में 10 जो है गमक की संख्या होती है। उत्तर भारत में आपके 15 होती है, उत्तर भारत में 15, और संगीत पारिजात के अंतर्गत जो है 20 गमक आपके उल्लेख मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न के लिए चलते हैं। बेगम अख्तर के साथ सबसे ज्यादा तबले वादन का किस विद्वान ने जो है किया है, तबला वादन किस विद्वान ने सबसे ज्यादा, अल्लाह रखा, जाकिर हुसैन या उस्ताद मुन्ने खान या पंडित किशन महाराज, किसने जो है सबसे ज्यादा जो है तबला वादन किया है आपके बेगम अख्तर जी के साथ में। बेगम अख्तर जी के साथ में सबसे ज़्यादा जो है किसने तबला वादन किया है, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का। बहुत बेहतरीन आवाज जवाब जो है योग माया शुक्ल जी के गुरु का नाम है दोस्तों, ये योग माया शुक्ल जी के गुरु का नाम है उस्ताद मुन्ने खान। कौन है, उस्ताद मुन्ने खान, इन्होंने सबसे ज़्यादा जो है तबला वादन किया है आपके बेगम अख्तर जी का। बेगम अख्तर जी का घराना कौन सा हो जाएगा, बेगम अख्तर जी का घराना बताइए कौन सा हो जाएगा। और अल्लाह रखा आपके हैं आपके पंजाब घराना से, और आपके उस्ताद जाकिर हुसैन पंजाब घराना से, और आपके जो हैं ये हैं किशन महाराज आपके बनारस घराने से, ठीक है। तो मुन्ने खान साहब का भी घराना छाप दीजिए। स्वामी विवेकानंद का संबंध किस वाद्य से, आपके ढोलक सितार पखावज नगारा, किससे संबंध है आपका विवेकानंद जी का, विवेकानंद जी का संबंध जो है वो किससे जाना जाता है। बहुत बेहतरीन दिव्या मैडम, अब तो ठीक लग रहा है, अब अच्छा लग रहा है ना, इतनी देर जो है आनंद नहीं आ रहा था, बोले सर आज तो गड़बड़ हो रहा है मामला, देखिए सारा ही हमको तो रखना पड़ता है, नहीं तो फिर जो है हाँ नए नए प्रश्न नए हैं, आज पहली बार पढ़े हैं नए हैं, जो मक्खन सिंह का प्रयोग होता है हम देखते हैं कहीं कहीं जगह बड़ा बेहतरीन मक्खन सिंह, अभी अमूल की जो है फैक्ट्री में जो है बड़ी बाढ़ आ रखी है अमूल फैक्ट्री में, तो यहाँ पे जो ढोलक नहीं है इनका, सितार नहीं है इनका, नगाड़ा नहीं है, और पखावज जो है इनका एकदम करेक्ट आंसर है। क्या है, पखावज इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाता है। प्रश्न संख्या है आपके 40। लोप मुद्रा मित्रा का संबंध किस राज्य से है, आपके असम से, मेघालय से, बंगाल से या बिहार से। लोप मुद्रा मित्रा का संबंध जो है वो किस राज्य से जाना जाता है। कोई कोई बच्चे तो इतना सूखा सूखा मक्खन लगा देते हैं जो क्या ही कहें, और फिर जो है मुंह पे रुमाल लगा करके उस मक्खन को उतारना पड़ता है, ऐसा मक्खन लगता है जी, ठीक है। तो मतलब इस प्रश्न का सही आंसर जो है क्या हो जाएगा, असम, मेघालय, बंगाल और बिहार। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, लोप मुद्रा मित्रा का संबंध जो है कौन से उससे जाना जाता है। तो लोप मुद्रा का संबंध जो है वो आपके बंगाल से जाना जाता है, किससे, बंगाल से आपका जाना जाता है। और असम की बात करें तो असम से शारदा सिन्हा, कौन है शारदा सिन्हा, या बिहार की है शारदा सिन्हा, कहाँ की है, सॉरी बिहार की है शारदा सिन्हा, शारदा सिन्हा जी है आपके बिहार की। और आपके बात करते हैं किसकी, किसकी बात करते हैं, और यानी शारदा सिन्हा जी पूछे तो शारदा सिन्हा जी आपके बिहार से हैं और आपके बंगाल से हैं आपके लोप मुद्रा मित्रा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न के लिए चलते हैं। असुमेलित को चुने, कौन असुमेलित है, सारे वीर रस, ग नि करुण रस, ध विभत्स रस और प भयानक रस। हा? अरे ज्यादा मक्कर क्या करोगे बाबा, देखिए अगर जहां से अगर कुछ पाया है तो वहां कुछ देना भी होना चाहिए। मंदिर में गए हो, अगर सूखे सूखे चले गए हो तो आपकी जो है हाजिरी नहीं लगती है। मंदिर में जाने के बाद तो दोस्तों अगर भगवान से अगर मन्नत मांगनी है ना, तो मतलब हाँ ढंग से ही मांगनी पड़ेगी। पंचम जो है यहाँ पे असुमेलित है, रेस्ट ऑफ दी सासेर वीरस, गानी करुण और ध आपके विवत्स। आपका जो है ये जो है प जो है आपका किस रस से जाना जाता है, कमेंट बॉक्स में छाप करके बताएं। हास्य रस से जाना जाएगा, श्रृंगार रस से जाना जाएगा, किससे जाना जाएगा। तो ऑप्शन संख्या जो है 4 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। गलत ये है इसमें, प्रश्न संख्या आपके स्क्रीन पर है 42। असुमेलित को चुने, विभाव 2, अनुभव 4, रस 10, संचारी 33। क्या है इसके अंतर्गत आपके जो है असुमेलित, असुमेलित को चुनना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और बेहतरीन प्रश्न का जवाब देते हुए सभी के सभी बहुत बेहतरीन। और दोस्तों जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, अपने प्रत्येक मित्र को इस क्लास को शेयर कर दीजिए जिससे कि वो आपके इस क्लास का हिस्सा बन सके। हास्य से जाना जाता है वो श्रृंगार, कोई भयानक, कोई क्या, कोई क्या दे रहे हैं तो आपका जो है जाना जाता है वो किससे जाना जाता है। हाँ
तो आपके रस जो है इसमें असुमेलित है। रस में आपके 10 नहीं होते हैं, विभाव बिल्कुल 2 होते हैं और अनुभाव बिल्कुल 4 होते हैं, संचारी भाव 33 होते हैं। अन्य क्या नाम है संचारी भाव का? व्यभिचारी भाव। क्या है? व्यभिचारी भाव जो है अन्य नाम, यानी कि 33 इनकी संख्या होती है। तो दोस्तों रसों की संख्या कितनी होती है? रसों की संख्या जो है वो कितनी होती है, छापिए कमेंट बॉक्स में और बताइए रस की संख्या कितनी हो जाएगी। देखिए भरत से अगर पूछ लें तो 8 ही रस भरत ने वर्णन किया, बाकी से पूछे तो 9 रस जो हैं आपके होते हैं, 9 रस जो हैं आपके हो जाते हैं। नवा रस शांत रस आपके होता है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन संख्या 3 इसमें असुमेलित हैं। प्रश्न संख्या है 45 डायरेक्ट 44 कहाँ गया, 3 कहाँ गया, कोई बात नहीं, इधर उधर ही है। राग धानी की जाति ओडव शाड़व, शाड़व शाड़व, ओडव ओडव या संपूर्ण शाड़व, क्या होगा भाई? राग धानी की जाति बताइए। अभिनव गुप्ता ने 9 रस, बिल्कुल बेहतरीन। आपके राग धानी का जाति क्या हो जाएगा? थोड़ा बढ़ाओ, ऊपर बढ़ाओ, ठीक है ठीक है ठीक है। ने सा ग म प ने सा सा ने प म ग सा, ये जो है आपके होता है धानी। सा ने ज ग म प ने सा ने प म प ग सा, तो आपके हो जाता है ओडव। ओडव जो है इसका जाति क्या होगा? ओडव ओडव होना चाहिए या शाड़व शाड़व होना चाहिए या क्या होना चाहिए इसका? इसमें ऑप्शन में गड़बड़ी आ गया भैया, नहीं आया क्या? ओडव ओडव इसका जाति होना चाहिए। क्या होगा? ओडव ओडव इसका एकदम करेक्ट जाति हो जाएगा। किस थाट का राग है ये? काफी थाट का आपका राग है। आपके अगर भीमपलासी को जैसे गा रहे हो, अगर औरों में भी आपके जो है ओडव की तरह कर देते हैं, ऋषभ और धेवत को वर्जित कर देते हैं, तो धानी राग आपका बन जाता है, ठीक है ना? बहुत बेहतरीन। तो ये आपका जो है धानी राग आपका हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन संख्या 3 इसका सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। और सर्वकालिक कभी भी इसको गाया जा सकता है। प्रश्न संख्या है 46, राग श्री का वादी स्वर क्या है? गनी मसा रेप या पसा। राग श्री का गायन समय क्या हो जाएगा? गनी है, मसा है, रेप है या पसा है? सर प आपके पूछा है, इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या 4 नहीं होगा, ऑप्शन संख्या 3 नहीं हो, 2 नहीं होगा, ऑप्शन संख्या 1 नहीं होगा। ऋषभ पंचम जो है इसका वादी और संवादी आपके श्री राग का हो जाएगा। पूर्वी थाट इसका होता है, क्या होता है? पूर्वी थाट आपके होता है सर सर रे पाने सा साइकल, यानी कि सायकाल का इसका गायन समय आपका जाना जाता है राग श्री का। राग श्री का सायकाल का आपका गायन समय जाना जाता है। सिर्फ और सिर्फ आपको जाति इसकी छापनी है कमेंट बॉक्स में। क्या छापनी है? जाति इसकी क्या है वो छाप दीजिए कमेंट बॉक्स में। आपका ऑप्शन संख्या 3 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47, सारे रे ध सरे सा मा प मारे सा, विभास देशकार गुणकली या दुर्गा, कौन सा राग हो जाएगा ये? सरे रे ध सरे सा मा मा प मारे रे सा सरे म प धा सा मारे सा। आपका राग जो है ऑप्शन संख्या 4 दे रहे हैं, कोई 3 दे रहे हैं, कोई 2 दे रहे हैं, भाई सारे तो मत दे। वो आपके ऑप्शन संख्या सारे म प ने धा सा ये हो जाएगा। अगर कह दिया जाए आपके इसी राग में कह दिया जाए कि गुणकली के देवत को एक टोन ऊपर करने पे कौन सा राग बन जाएगा,
गुणकली के देवत को एक टोन ऊपर करने पे राग कौन सा बन जाएगा, तो देखिएगा बड़ा सुंदर राग आता है, सा रे म प नि प म रे सा। अरे राग बनता है जिसको लग जाता है बेराग, वो बनता है बेरागी भैरव। और विभास कैसे जाता है, सा रे ग प ध सा ध प ग प ग रे सा। भूपाली से आपका बनता है विभास, देशकार से और आपका भूपाली से जाता है विभास, ठीक है। और गुणकली जो है वो जाता है आपकी दुर्गा से, किससे जाता है दुर्गा में। अगर गुणकली के सारे स्वर शुद्ध करते हैं तो आपका दुर्गा बन जाएगा, अगर दुर्गा में आपके रेधा कोमल कर दे तो गुणकली बन जाएगा, केवल देवत कोमल करेंगे तो आसावरी का आरो आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन संख्या 3 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। द शुद्ध हुआ तो बेरागी भैरव, अब ध लगता ही नहीं है बेरागी भैरव में, तो ध लगाओगे कैसे लता सिंह जी, कैसे लगाओगे ध, है ना। चलिए प्रश्न संख्या 48, दोनों मध्यम युक्त राग नहीं है, हमीर केदार गोरख कल्याण गोड़ सारंग, कौन सा जो है आपके दोनों मध्यम युक्त राग आपका नहीं है। सारे सा ग म ध न द सा न द प म प द प, तो यहाँ पे दो दोनों मध्यम लग रहे हैं केदार, सा म म प म प द प, यहाँ पे भी दोनों मध्यम लग रहे हैं। और मुझे जिसका डाउट है उसी में जाएंगे मोस्ट ऑफ दी, तो मोस्ट ऑफ दी तो उसी में जाएंगे भैया। अरे भैया जो है सागर मग पम द बने दसानी रे सा, तो आपका ये तो होता है गोरख कल्याण जो है, अरे गोड़ सारंग ये है आपका वक्र अभी संपूर्ण जाता है, गोरख कल्याण जो है खमास साठ का है, नी आपके कोमल प्रयोग होता है यहाँ, तो गोरख कल्याण इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या आपके 49, राग जोगिया की जाति क्या है, ओडव शाड़व 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 या ओडव ओडव या संपूर्ण शाड़व, राग जोगिया की जाति क्या है, ओडव शाड़व 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 ओडव शाड़व ओडव ओडव या संपूर्ण शाड़व, क्या है राग जोगिया की जाति। सर म प द सा साधन ग प म रे म ध प म रे सा, जो दे रहे हैं शाड़व शाड़व उनकी गलत हैं, जो दे रहे हैं ओड़व ओड़व उनकी भी गलत हैं, जो दे रहे हैं शंपूर शाड़व उनका भी गलत है, सीधा जवाब है ओड़व शाड़व, क्योंकि आते टाइम इसमें कोमल नी का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग, कोमल नी का इसके अंतर्गत प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन संख्या 1 इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ओडव शाड़व जो है इसकी जाति आपकी हो जाएगी। गुणकली जैसा जाता है सारे म प ध सा, और आते टाइम सा ध ने द प म रे, तो आपका ये जाता गंधार बिल्कुल वर्जित है, बिल गंधार का प्रयोग ही नहीं है। प्रश्न संख्या आपके स्क्रीन पर आ रहा है कौन सा 50, देवगिरी बिलावल में वर्जित स्वर है, ऋषभ आरोह में, मध्यम आरोह में, पंचम अवरोह में, देवत अवरोह में, क्या वर्जित है आपके जो है संपूर्ण स्वर जो वर्जित हो जाएगा, यानी कि जो जाति जो बन जाएगी। क्या कह रहे हैं भैया, जोगिया सर परिचय दे आप सर प्लीज, जोगिया ला परिचय क्या कह रहे हैं, ये कमेंट हमको रुक नहीं रहा है और हमको समझ में नहीं बैठ रहा है जो है जोगिया का परिचय। अच्छा मौसा जी साथ रहते हैं जोगिया में, ध्यान रखिएगा मौसा जी साथ रहते हैं जोगिया में, हाँ बिल्कुल मौसा जी साथ रहते हैं, भैरव का आपके हैं और प्रातःकाल का राग है, तो आपके देवगिरी के अंतर्गत जो है क्या होता है, देवगिरी में आपके जो है शाड़व संपूर्ण इसकी जाति होती है, क्या है शाड़व संपूर्ण इसकी जाति होती है आपके शाड़व, तो फिर आरो में कोई स्वर वर्जित है तो आरो में क्या वर्जित है, मध्यम जो है आरो के अंतर्गत इसमें वर्जित है, साप वादी संवादी आपके। और अगर कल्याण में अगर शुद्ध मध्यम गा दिया जाए निरे गे निरे ग मा ग,
निरे ग म ग शुद्ध मध्यम का प्रयोग लेते हैं, सा नि ध प म ग सा नि ध प म ग रे निरे सा नि ध निरे ग। ये जो है आपका इस प्रकार से देवगिरी बिलावल बन जाता है। तो आपके वर्जित जो स्वर हैं वो हैं इसमें मध्यम जो हैं वर्जित हैं आरओ के अंतर्गत। दोस्तों 50 लग चुकी है, 50 हो चुका है, इसमें दो प्रश्न आपके मिसिंग थे तो उन दो प्रश्नों का और हम यहाँ पे ले लेते हैं प्रश्न। अभी 10 प्रश्न और रिमेनिंग है, आज प्रश्न श्रृंखला हमने 60 का लिया है। आपके जो हैं गायकों के गुणों की संख्या कितनी है, तो प्रश्न संख्या जो दो मिस हुए थे उनका कर लेते हैं कंप्लीट पहले। गायकों के गुणों की संख्या है आपके 22, तो गायकों के अवगुणों की संख्या कितनी है, गायकों के अवगुणों की संख्या है आपके 25। कितनी है, 25 जो है आपके गायकों के अवगुणों की संख्या है। और दोस्तों आपसे पूछ लिया जाएगा राग हिंडोल, राग हिंडोल का दक्षिणी नाम क्या है, राग हिंडोल का दक्षिणी नाम क्या है, तो सुनाद विनोदनी। कौन सा है, सुनाद विनोदनी, ये जो है आपका दक्षिणी नाम है। आपसे पूछ लिया जाए विभास का दक्षिणी नाम क्या है, तो विभास का दक्षिणी नाम हो जाता है आपके क्या हो जाता है, रेव गुप्ती, रेव गुप्ती। और आपसे अगर पूछ लिया जाए किसका, आपसे सीधा सा पूछेगा और किसी का नहीं पूछेगा, पूछेगा दुर्गा का, दुर्गा का पूछेगा तो आप क्या कहोगे, आप सावेरी और शुद्ध सावेरी में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो शुद्ध सावेरी तो आपका इसका है ध्यान रखिएगा, और सावेरी आपके जोगिया का हो जाता है। तो ये दोनों प्रश्न दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं और 50 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। आप लोग जो हैं थोड़ा सा थंब प्रेस वो क्या कहते हैं करा दीजिए यार, ऐसे क्यों करते हो यार। दोस्तों मुझे पूर्ण विश्वास है, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जो है कल का पेपर आपका जो है 100% जो है आपका बेहतरीन होने वाला है। कल का जो पेपर है आपका बहुत बेहतरीन होने वाला है। जो माने गुरुजन की सीख उसका बेड़ा पार बिल्कुल होवे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाव से जो माने अगर मन में छल कपट लिए चले तो उसका तो बेड़ा क्या रोड ही पार नहीं हुए। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, गुरु लोग कहते हैं कि जो मन में छल कपट लेकर के चलता है उसका तो रोड भी पार नहीं होता है, रोड भी किसी की सहायता लेकर के हमको पार करनी पड़ती है ना। आप कहीं भी सीखिए, आप किसी भी टीचर के पास में रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिससे भी हम सीख रहे हैं वो हमारा गुरु है, जिसके पास में भी हम जा रहे हैं वो हम निंदक नियरे राखिए, यानी कि निंदक निंदा करने वालों से तो हमको, हाँ समझ गए ना मेरी बात को। इसलिए जो हैं अगर अच्छा लगा तो डेफिनेटली आप लोग जो हैं, समय कितना लगता है एक क्लास में, जब जैसे ही ख़त्म होती है आफ्टर द कमेंट सेशन ओपन होता है, तो दिल अगर गवाह करता है कि मैंने इस क्लास से कुछ पाया है तो वहाँ जाकर के ऐसा लिख सकते हैं कि ये क्लास आज मैंने की, आज इस क्लास में बहुत अच्छा मैंने पाया। अरे देखिए प्रदीप मिश्रा जी की कथा को, अब वहाँ पे जो बच्चा पाता है कि मैंने गुरुजी आपके जो है कथा सुन करके मैंने जो है जल चढ़ाना शुरू किया और आज मैं सर्विस लग गया हूँ, मेरा पत्र आप स्वीकार करें, मैंने कुछ नहीं दिया, भोले बाबा ने मुझे दिया, मैंने सिर्फ जल एक लोटा जल का लेकर के गया हूँ मैं। तो दोस्तों गुरु क्या कहता है, गुरु आपसे कोई जायदाद नाम नहीं करवा रहा, आपकी आपकी प्रॉपर्टी जो साइन नहीं करवा रहा है, कोई 10 लाख रुपए उधार नहीं मांग रहा आपसे। अरे भाई एक लाइक कर दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा, एक शेयर कर दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा, अगर एक कमेंट कर दोगे तो क्या 10 लाख रुपए हमारे अकाउंट में सीधे आ रहे हैं क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप नहीं करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, और आप करोगे तो सोना तो है ही, वो सुहागा हो जाता है आपका, सोना तो है कोहिनूर को, और कोहिनूर मतलब मजबूत बन जाता है वो कोहिनूर। इसलिए हाँ चलते हैं, तो अभी 10 प्रश्न रिमेनिंग है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों के लिए। प्रश्न संख्या 51, बटियार राग का समय क्या है आपका गायन समय, सायंकाल रात का द्वितीय रात का अंतिम या दिन का तीसरा प्रहर, क्या है बटियार राग का समय। बटियार राग का समय है क्या जाना जाता है, तो सायंकाल नहीं जाना जाता, रात का दूसरा नहीं जाना जाता, रात का अंतिम प्रहर जो है इसका गायन समय आपका जाना जाता है। देखिए दो ऑप्शन होते हैं इसके रिगार्डिंग, अगर अंतिम प्रहर है तो ठीक है इसको लगाएंगे, अगर प्रातःकाल भी अगर दिया हुआ है तो प्रातःकाल को आप राइट आंसर लगा सकते हो, क्योंकि अगर यह तो अंतिम प्रहर या प्रातःकाल इसका सही आंसर होगा, मारवा थाट का ये आपका राग है, इसका है मारवा थाट का। प्रश्न संख्या है आपका 52, खमास थाट का राग नहीं है, तिलंग पटदीप झिंझोटी और तिलक कामोद। सग म पनी पम ग
सागमा पगमने पगम पैंसनी प मांग। आपका जो है राग कौन सा है? आप तिलंग राग है, ये कौन सा है? तिलंग राग जो अभी हम गुनगुना रहे हैं आपका, ग म प न प म व ग म ग स। तो ये जो है पटदीप इसमें आपका ये अलग है, ये आपके काफ़ी थाट का राग है, और ये पटदीप जो है आप भीम प्लासी का भाई लगता है भाई रिश्ते में, ठीक है। स नि ध नि स रे म ग ध नि स रे म ग आपके किस में है? झिंझोटी, ठीक है। बाजे रे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया, बाजे मुरलिया बाजे। कल के पेपर में सारे क्वेश्चन मुरली में बाजे। तो आपका ये हो जाता है। प्रश्न संख्या आपके स्क्रीन पर है 53। कोमल नी युक्त राग को चुने, तो कोमल नी बिहाग, बंगाल भैरव, बिहागड़ा या भोपाल तोड़ी, कौन सा जो है कोमल नी इसके अंतर्गत आपको लगता है? अरे भटियार जो है मारवा थाट का है। किसका है? भटियार मारवा थाट का राग है आपका। बिहाग, बंगाल भैरव, बिहागड़ा या भोपाल तोड़ी, कौन सा जो है आपका इसमें सही आंसर आपको नजर आ रहा है? प्रश्न संख्या 53, 53 में जो है आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या जो दो दे रहे हैं, सारे ग प सारे ग सारे ग सारे ग म प सारे ग म प धा सा ध प म ग रे ग म रे। ये बंगाल भैरव में नी नहीं लगता है, भैरव में नी वर्जित कर दो तो बंगाल भैरव बन जाता है। और आपके भोपाल तोड़ी सारे ग प धा सा ध प ग प ग रे ग रे सा। और बिहाग नी ज ग म प नी सा नी ध प म प ग म ग। और बिहागड़ा द ने द प आपका नी कोमल केवल इस पे लिया जाता, दो धेवत के बीच में इसका नी कोमल लिया जाता। बिहागड़ा इज द करेक्ट आंसर। खमास साठ का ये राग हो जाता है। प्रश्न संख्या है 54। कर्नाटक संगीत में जो है आपका जीरो वाला ये किस अंग का चिन्ह है? लघु, गुरु, द्रुत या अनुद्रुत, किसका चिन्ह है ये? आपके किसका चिन्ह है जो है ये चिन्ह आपको किसका प्रतीत हो रहा है? अरे भाई लघु और द्रुत का ज़्यादातर आता है कि ये किसके साथ में जीरो का प्रयोग करते हो? पवन जी ऐसे प्रश्नों का आंसर अगर ललन टॉप में दोगे तो गोलवा कैसे भरोगे? अरे द्रुत का होता है, सीधा सा पता है कि द्रुत का होता है, है? अनुद्रुत का क्या होता है? अर्धचंद्राकार जो है अनुद्रुत का होता है कि नहीं होता है? अनुद्रुत का। और आपके लघु का सीधा सा ये होता है, तो गुरु का क्या चिन्ह है आप कमेंट बॉक्स में आप छाप करके बताओ। देखिए दोस्तों ये षडांग होते हैं, क्या होते हैं? षडांग होते हैं जिनकी संख्या होती है 6, और जातियां होती है इसमें 5 जातियां होती हैं इनकी। कितनी जातियां होती हैं? 5 जातियां होती हैं आपके। और हाँ बिल्कुल जो है गुरु का ये वाला हो जाता है। 5 जातियाँ होती है आपके, चतस्त्र होती है, त्रिस्त्र होती है, मिश्र होती है, खंड होती है और संकीर्ण होती है। मात्रा 4, 3, 7, 5 और 9, ये सीक्वेंस जो है इसका रहता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के लिए। इस प्रश्न का जवाब है आपके ऑप्शन संख्या 3। निम्न में से भिन्न को चुने, कुर्जा, झूमर, पीपली या पोदीनो, क्या जो है इसमें से डिफरेंट है? कुर्जाएं मारे नर नान नान अरे पोदीनो खाने वाला पोदीनो नहीं है, ये लोकगीत है। पोदीनो लोकगीत है, पीपली लोकगीत है यहाँ का, कुर्जा लोकगीत है राजस्थान का, झूमर आपको कितनी बार कहा कि बंगाल का है, सिर्फ झूमर सिर्फ बंगाल का है और कहीं का भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। जपताल की तिगुण एक, जपताल की एक आवर्तन की दुगुण और तिगुण ताल की कितनी मात्रा में होगी? 2.2/2, 2.6/1/4, 4.2/4 या 8.1/3, क्या जवाब होगा इस प्रश्न का? दोस्तों जो भी न्यू कैंडिडेट हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप में अगर नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप, आप इसके माध्यम से जो है जुड़ सकते हैं, आप इसके माध्यम से
जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप फॉलो कर सकते हैं, और यहाँ से भी हमारा टेलीग्राम लिंक भी आपके दिया हुआ है, वहाँ पे आप जाकर के भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन संख्या यानी कि जप ताल की एक आवृत्ति की दुगुन तिगुन कितनी मात्रा में होगी, अरे ये पूछा है, तो दुगुन 5 मात्रा में होगी और आपके तिगुन कितनी मात्रा में, 3.1/3 में, यानी कि 8.1/3 इसका आंसर कहीं दिख रहा तो देख लो। ऑप्शन संख्या 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन संख्या 4 इसका एकदम सही आंसर हो रहा है। प्रश्न संख्या है आपका 57, पणव का उल्लेख सुंदरकांड में कहाँ प्राप्त होता है, 8 सर्ग, 15वां सर्ग, 10वां सर्ग या 36वां सर्ग, कौन सा जो है इसमें प्राप्त होता है पणव का। पणव आपके अवनद वाद्य हैं, क्या है, अवनद वाद्य हैं पणव, और पणव का जो है उल्लेख वो कहाँ पे प्राप्त होता है हमें, पणव का जो है उल्लेख है वो कहाँ पे प्राप्त होता है, तो 8वां सर्ग है, 15वां सर्ग है, 10वां सर्ग है या 36वां सर्ग है, तो इसमें सीधा सा सीधा 10वां सर्ग है, और कहीं कहीं पे 36वां श्लोक दिया हुआ होता है, और सॉरी इसके रिगार्डिंग जो है 36वां उसके लिए दिया हुआ था आपका, किसके लिए, पणव के लिए आपका 36वां श्लोक नहीं होगा, पठे के लिए 36वां श्लोक मिलता है या 39वां श्लोक मिलता है, और आपके इसके लिए 10वां श्लोक के साथ में आपका 43वां श्लोक जो है प्राप्त होता है सुंदरकांड में, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन संख्या 3 जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न के लिए चलते हैं, संगीत रत्नाकर में किस ताल को सम ताल कहा है, सवारी ताल, कबाली ताल, विष्णु ताल, विश्व ताल। संगीत रत्नाकर में किस ताल को सम ताल कहा है, पड़ाव नज़दीक आ गया है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से चला है ये कारवा, 16 मात्रा का ताल है आपका सवारी ताल, और कवाली ताल आपके 8 मात्रा, और विष्णु ताल आपके 17 मात्रा, और विश्व ताल आपके 13 मात्रा। ऑप्शन संख्या 4 इसका सही आंसर होता, ऑप्शन संख्या 4 जो है इसका सही आंसर होगा, और प्रताप शिखर ताल जो है विष्णु ताल के समकक्ष होती है, कौन सी, प्रताप शिखर, और प्रतिपालक जो है वो आपके कव्वाली की होगी, प्रतिपालक, प्रतिपालक जो है वो कव्वाली का होगा, ठीक है, विश्व इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या है 59, संगीत रत्नाकर में आपका ये कौन सी है, रागवर्धन किस ताल को कहा गया है, दादरा को, झूमरा को, विजय ताल को या शेष ताल को। रागवर्धन जो है किस ताल को आपके कहा गया है संगीत रत्नाकर के अंतर्गत, रागवर्धन जो है किस ताल को आपके कहा गया है संगीत रत्नाकर के अंतर्गत, जो है ताल है दादरा, झूमरा, विजय और आपके शेष ताल। शेष ताल यानी कि दादरा 6 मात्रा की ताल, झूमरा 14 की, विजय 20 की, और शेष ताल आपके 29 मात्रा की ताल हो जाती है, तो इसका सही जवाब जो है 29 मात्रा शेष ताल हो जाएगा। दादरा का होता है यति लग्न, यति लग्न, झूमरा होता है राजमार्तंड, राजमार्तंड, विजय, विजय होता है मुकुंद, मुकुंद। ऑप्शन संख्या 4 जो है सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या है 60, 2 तार युक्त वीणा है आपके नकुली, चित्रा, राजधानी और महती, कौन सी वीणा है, 2 तार नकुली, चित्रा, राजधानी या महती। प्रश्न संख्या है आपकी स्क्रीन पे 60, और आज का जो है क्लास संभापन की ओर चल रहा है, इस प्रश्न का बेहतरीन जवाब दे रहा है, कौन दे रहा है, सबसे फास्ट आंसर देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन देखते हैं कौन देगा इसका, और कौन क्लीन बॉल्ड होने की ओर जा रहा है, भगवान विष्णु मंगलम, मंगलम, तो इस प्रकार जो है सही आंसर दे, तो आपके ऑप्शन संख्या 1 जो है इसका सही आंसर होवत है, तो ऑप्शन संख्या 1 स्वाहा, तो इसमें महती जो है 21 होता है, राजधानी 4 होता है, चित्रा 7 तार होते हैं। ये था आज का पेपर। अब जो है 2 सुपर जैकपॉट प्रश्न खुलने वाले हैं, कौन खुलने वाले हैं, 2 सुपर जैकपॉट प्रश्न खुलने वाले हैं, उन प्रश्नों का जवाब आपको देना है। चलिए तो शानदार सफर, शानदार सफर की शुरुआत, और दोस्तों आप सभी को जो है हम बेस्ट विशेज हमारी ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं, और सभी उम्मीद करते हैं कि आप सभी का जो है पेपर जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है आए, और आपका जो है सभी का जो है जियारत निकले, ऐसी मैं आप सभी के लिए विशेष देता हूँ, ठीक है। आप सभी जो हैं उम्मीद करते हैं कि उम्मीद से परे आप पेपर करके आएंगे, और पेपर करके आओगे तो मतलब मज़ा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा पेपर का, ऐसा पेपर आपका आने वाला है। मेरा एक ही मंत्र है, आपका
जो है उस लिस्ट में नाम आ जाए, आपका रोल नंबर उसमें आ जाए। और दोस्तों पहला टारगेट हमको ये निकालना है, लेकिन पढ़ाई को छोड़ना नहीं है, है ना, पढ़ाई का छोड़ना नहीं है, पढ़ाई जो है कंटिन्यू रखना है, ठीक है, और सब जो है समय से जाना है। दोस्तों अभी दो जैकपॉट प्रश्न अभी निकलेंगे, कौन से हैं जैकपॉट प्रश्न और हैं, अभी दो प्रश्न और हैं, उन जैकपॉट प्रश्न का भी आंसर देखे जाइए, क्योंकि कल के पेपर में मुझे उम्मीद है उन प्रश्नों की पूरी पूरी, मुझे उम्मीद है पूरी पूरी उन प्रश्नों की, इसलिए आप जो हैं विक्ट्री का साइन सभी लेके जाएं और हंसते हुए खेलते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अपने एग्जाम सेंटर के अंतर्गत जाएंगे। और एग्जाम सेंटर में ही ऐसे ऐसे बड़े बड़े ब्लास्ट बम मत लेके जाइएगा, नहीं तो है कहते कर कौन थे रे आपके गुरुजी जो आपको बोले कि ऐसे बम लेके जाएगा, ऐसा वैसा कोई मत करना। विक्ट्री का साइन, सभी गुरु लोगों का आशीर्वाद आपके साथ में है, जहाँ भी जैसे भी जहाँ जिसने भी पढ़े हैं आपको, और सबके आपके साथ में है। सुबह जो है हमारी मॉक जो ड्रिल होती है, मॉक ड्रिल अपन करते हैं, मॉक टेस्ट ड्रिल अपन करते हैं, जो वो आपका सुबह यथावत समय पे लेने की कोशिश करेंगे, उसको जो है बच्चे जितने भी जो ज्वाइन करते हैं वो ज्वाइन करने की कोशिश करना, जो हमारा मंत्र है वो हमको देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। चलते हैं तो आज का जैकपॉट प्रश्न है। और दोस्तों आपको अगर क्लास निकला है, आपको अगर क्लास जो है अच्छा लगा है, अच्छा लगता है, ठीक है ना, तो बटियार मारवा का है, दिव्या मैडम आप कंफ्यूज मत होइए, बिल्कुल 100% ठीक है। अब आपको नहीं लग रहा वो एक अलग बात है, क्योंकि आपके दिमाग में कुछ अलग पहले से बैठा हुआ है, तो उसको मैं नहीं निकाल सकता। तो आप जो हैं बिल्कुल लाइक जो हैं 123 लाइक जो हैं, बहुत कम बात नहीं है और बहुत अच्छी बात है। ये संगीत के लिए लाइक हो रहा है, ये मेरे लिए लाइक नहीं हो रहा, मैं तो खुद आपके जैसा हूँ, है ना। अब दूसरी चीज़ जो है, अगर आपको वास्तविकता में अच्छा लगा है, इस क्लास से आपने कुछ पाया है, तो कमेंट बॉक्स अभी जैसे ही क्लास ख़त्म होगा तो वहाँ पे जाकर के आज की क्लास के बारे में लिख देना दो शब्द, ठीक है। इस अमूल्य समय में से भी हम आपके साथ में हैं, तो आप ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका पहला जैकपॉट है कि द म्यूज़िक ऑफ हिंदुस्तान पुस्तक के लेखक कौन है, स्ट्रैंगवेस, क्लेमेंस, डेनिलो या पोपले। द म्यूज़िक ऑफ हिंदुस्तान पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है, पहला जैकपॉट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर खुल चुका है। फर्स्ट जैकपॉट गोइंग ऑन, व्हाट इज द करेक्ट आंसर, पहला जैकपॉट। इस प्रश्न का सही आंसर देने की कोशिश की जा रही है, जो देगा सही आंसर इस प्रश्न का मतलब कल का और बेहतरीन होने वाला है, मतलब जो माने गुरुजन की सीख, मैं कह रहा हूँ 100% उसका बेड़ा पार है। यानी कि गुरु कोई से भी हो, आपके गुरु की सीख मानिए, गुरु जैसा कहे वैसा आप करिए, ठीक है। तो जिन्होंने दिया है ऑप्शन संख्या 4, आपका तो जैकपॉट हो गया बंद। जिन्होंने दिया है आपका 2, तो आपका भी हो गया बंद। अब यहाँ पे पूछा द म्यूज़िक ऑफ हिंदुस्तान जो पुस्तक है उसके लेखक, और जिन्होंने दिया है आपके क्लाइमेंट्स को, उनका भी हो गया फेल। और यहाँ पे फॉक्स स्ट्रैंगवेज को जिन्होंने दे दिया है वो हो गए यहाँ पे पास। तो पहला प्रश्न जिन्होंने जैकपॉट को राइट कर लिया है, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये देखिए कॉन्फिडेंस जो है लगभग जो है अप हो रहा है आप सभी का, बहुत बहुत बधाई है आपको जिन्होंने पहला जो है अचीव किया है। यानी कि स्ट्रैंगवेज जो है इसका सरल सीधा सा आंसर होगा। और क्लेमेंट्स की अगर बात करें तो इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन म्यूजिक, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन म्यूजिक, ठीक है ना, ये आपका है क्लेमेंट्स का। और डेनिलो की अगर बात करें तो डेनिलो की सो मैनी पुस्तक, यानी सेक्रेड म्यूजिक अगर बात करते हैं या द स्टडी ऑफ म्यूजिक स्केल बात करते हैं, तो ये है हमारे डेनिलो। और पोपले की अगर बात करते हैं तो द म्यूजिक ऑफ इंडिया हो जाता है हमारा पोपले। तो सेकंड वन के लिए तैयार हो जाए, द म्यूजिक ऑफ इंडिया सेकंड के लिए तैयार हो जाइए। सेकंड जो है आपका जैकपॉट प्रश्न खुल रहा है आपके स्क्रीन पे, तो लीजिए दोस्तों ये रहा आपका अपना, आपकी स्क्रीन पे नजरें गड़ाए रखें और सबसे फास्ट आंसर करने की कोशिश कीजिएगा, लीजिए। और ये आ गया नेक्स्ट प्रश्न, नीलोत्पलम्बा कृति के रचनाकार पुरंदरदास, त्यागराज, श्यामा शास्त्री, मुत्तु स्वामी कौन हो जाएंगे। नीलोत्पलम्बा कृति के रचनाकार जो हैं कौन हैं, 1, 2, 3, 4 में से आपको आंसर देना है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन,
ऑप्शन संख्या एक, ऑप्शन संख्या तीन, और कौन दे रहे हैं? बड़े संभल के देने की जरूरत है। ऑप्शन संख्या एक दो तीन चार में से दे रहे हैं। बाबा रे, इधर से उधर, इधर से उधर, और ये क्लीन बॉल, क्लीन बॉल, क्लीन बॉल, ये कैच आउट, ये क्लीन बॉल, ये कैच आउट, और ये रन आउट। ओ माई गॉड, ये भागते भागते बच गए हैं। अरे शिवा मैम, क्या कर दिए हैं! अरे 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 अरे, क्या बात है! जैकपॉट प्रश्न तो सबको धोखे रख दिया, दोनों के दोनों जैकपॉट जो हैं बढ़िया जो हैं हिला के रख दिया। अपने आप को मतलब कैसी तैयारी होनी चाहिए थोड़ा सा देख लीजिएगा, हिला के रख दिया है। अरे संगीत जो है आपके कौन कहे जाते हैं? आपके पितामह हैं ऑफ म्यूजिक ऑफ द कर्नाटका। कर्नाटक संगीत के पितामह कौन कहे जाते हैं? तो कर्नाटक संगीत के पितामह कहे जाते हैं पुरंदरदास जी, जिनका नाम है श्री नायक, है ना, श्रीनिवास नायक, श्रीनिवास जी, श्रीनिवास नायक जी। तो ये तो इनका उपनाम है दोस्तों, इनका रचना ये नहीं है। ऑप्शन ये मत दीजिए। त्यागराज जी कौन है? अगर आपसे पूछे कि निधि चल सुखम, शीर सागरा सेना, या पंचरत्न, तो हो जाता हमारे त्यागराज जी का। लेकिन श्यामा शास्त्री जी कह रहे ने, बाबा हमसे भी तो पूछ लेते। तो इनका जो कृति जानी जाती है नवरत्न मलिका, कौन सी है? नवरत्न मलिका जो है इनकी जानी जाती है। और मुत्तु स्वामी दीक्षितार, इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है प्यारे मित्रों। क्या हो जाता है? मुत्थु स्वामी दीक्षितार जो है इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। नीलोत्पलाम्बा कृति, नवग्रह कृति, कमलाम्बा कृति, कृति नववर्णा कृति जो है, ये कृतियां इनकी एक से एक कृतियां जो इनकी जानी जाती है। ऑप्शन संख्या डी जिन्होंने दिया है उनका बहुत बेहतरीन जो है ये प्रश्न सही जवाब है। दोस्तों इनका जन्म भी ध्यान रख लीजिएगा, 1484 के आसपास। त्यागराज का जाना जाता 1767 के आसपास, श्यामा शास्त्री का जाना जाता 1762 के आसपास, और मुत्तु स्वामी का जाना जाता 1775 के आसपास। ठीक है, तो ये जो है इनके जन्म है। ऑप्शन संख्या जो है एक इस प्रश्न का सही आंसर, चार इसका सही आंसर। ये था आज का मैराथन क्लास, और आप सभी को हमारी ओर से ऑल द बेस्ट। आज के विनर, यू ऑल आर विनर, आज के विनर आप सभी विनर हैं। मैं ईश्वर से कामना करता हूं आप सभी के लिए, आप सभी विनर हैं। और दोस्तों बहुत बेहतरीन तरीके से जाइए। आज के जो शुरुआती प्रश्न इसलिए लेकर के आए, थोड़ा सा घराने वाला टॉपिक भी आप लोगों को क्लियर करवाया जाए इसलिए वो लेकर के आए थे। और ऐसे प्रश्नों का कोई लाकर के आपको डराना नहीं था। हो सकता है कि आज के कुछ प्रश्न, इनमें से बहुत से प्रश्न जो हैं आपके कल काम में आए। ठीक है, और ये जो है आपको ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से जाता है। ठीक है, ईश्वर आप सभी को अपने मुकाम को हासिल कराएं, और आपको जो है इस प्रकार का जो है पेपर आए कल का, कि आंखें जो है लचा लच हो जाए, लचा लच इन द सेंस जो है बहुत बेहतरीन। हमारे जितने भी टीचर्स यूट्यूब साथियों के द्वारा जो प्रयास किए गए आप सभी के लिए, उनका भी टीसी म्यूजिक क्लासेस बहुत ही हार्दिक अभिनंदन करती हैं, क्योंकि हर एक कोई मेहनत कर रहा है और सभी मेहनत कर रहे हैं, तो उनको जो है वास्तव में अप्रिशिएट करना चाहिए। जो भी मेहनत कर रहे हैं उन सभी का हमसे जो भी सपोर्ट अगर चाहिए तो हम उनका सपोर्ट करने को भी तैयार हैं। और बच्चे का भी जो सपोर्ट अगर हमको करना पड़े तो हम बच्चे के लिए भी तैयार हैं। ठीक है, तो यही ध्यान रखिएगा, जो ना माने गुणजन के सिख, जो ना माने, जो ना माने गुणजन के सिख, परे पायन के सजनी, है ना। हमारे उन सभी बच्चों का बेड़ा पार हो जाए जो जितने भी कल एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, इसे हिंदुस्तान के जितने भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, टीसी म्यूजिक क्लासेस के जितने भी व्यूवर्स एग्जाम दे रहे हैं, उन सभी व्यूवर्स का जो है आपका बेड़ा पार हो जाए। और दोस्तों कल जो है पेपर देने के बाद आप इस नंबर पे जितने भी क्वेश्चंस आपको याद रहते हैं वो इस नंबर पे आप हमको अवगत करवाएंगे, जो हैं आप इस नंबर पे कल अवगत करवाएंगे, जिससे कि आपको फटाफट उसकी जो है आंसर की तैयार करके कल का जो है इवनिंग क्लास में एक्सप्लेन कर दिया जाए। ठीक है,
इस पे जो है आप बताएंगे 7737194852 पे कि आप जो है सर ये प्रश्न हमें आया था, या पेपर हमारा बहुत अच्छा हुआ था, पेपर कैसा रहा, या इस बार हमारा फाइनली जीआरएप निकल जाएगा, या आपका काजू कतली का डिब्बा जो है पक्का हो गया। दोस्तों ये मक्खन सिंह है ना, इससे हमको दूर रहना है, मक्खन सिंह दूर रहना है, हमको रहना है सत्यमेव जयते के साथ। सत्यमेव जयते के साथ में रहना है। कमेंट बॉक्स में जाकर के आप सभी लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। जो भी दे रहे हैं उन सबको कोई बात नहीं शिवा मैम, है ना, सभी जो है प्रश्न याद करके लेके आएंगे, यानी पूरा पेपर जो है, पेपर तो पता नहीं कब आएगा। हाँ अरे शिवा मैम चलो हम चलते हैं, क्या बात करते हो, कल का पेपर है देख के आएंगे, चिंता काहे को करते हो। हाँ तो शिवा मैम जल्दी से काजू कतली का डिब्बा तैयार करवा रही हैं, बोले सर चिंता मत करो काजू कतली का डिब्बा तैयार हो रहा है आपके लिए, बस भेजने की देरी है, तैयार तो हो रहा है और भेजने की देरी है, है ना। बोले सर कहीं ऐसा नहीं कहते तो सर आपको भेजना पड़ेगा, आप भेजोगे मेरे पास, मैं नहीं भेजूंगी, हैं कहीं ऐसा तो नहीं कहते तुम्हें। चलिए ऑल द बेस्ट आप सभी को, आफ्टर द क्लास आप जाइएगा कमेंट सेशन में, और कमेंट सेशन में जाकर के जो है फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, व्हाट्सएप पे जाइएगा या टेलीग्राम पे जाइएगा, या जो आप अपने कमेंट सेशन में जाकर के ज़रूर फीडबैक दें। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय। और जो है आगामी जो क्लासेस के साथ में गुरुकुल बैच के साथ में जो भी जुड़ना चाहते हैं वो गुरुकुल बैच के साथ में इस नंबर पे आप फ़ोन करके अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर लीजिएगा, ठीक है। ये जो है गुरुकुल बैच 7737194852, ठीक है, इस नंबर से आप अपना जो है रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करें। जो इच्छुक विद्यार्थी, किसी को कोई ज़बरदस्ती नहीं है, देखिए गायन की व्यवस्था भी यहाँ पे है, गायन सीखने की रागदारी, सारा रागदारी यहाँ पे आपको सिखाया जाता है। दूसरा जो है थ्योरी से रिलेटेड सैद्धांतिक जो पेपर है उसकी भी तैयारी आपको यहाँ पे करवाई जाती है, सभी एग्जाम्स की आपको यहाँ पे तैयारी करवाई जाती है, अभी जो है डेली क्लास आपकी चल रही है, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं कल, तब तक के लिए सभी से इजाज़त चाहेंगे, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट, आप सभी का पेपर बहुत अच्छा हो, सुपर, थैंक यू।